वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दोज वू आर इन फ्रंट ऑफ मी एंड दोज वू आर ज्वाइन ऑनलाइन वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन सब लोग रेडी है क्या आज के लिए ओके आज एक्चुअली हमारे सिलेबस का फर्स्ट डे ऐसा बोल सकते हैं हमारे सिलेबस का आज फर्स्ट डे है क्योंकि कल जो था वो तो इंट्रोडक्ट्री पार्ट था तो कल के लेक्चर को मैं जीरो जीरो लेक्चर बोलना चाहूँगा और आज का लेक्चर एक्चुअली वन है थीके? तो जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी दिख रहा होगा कि कल का लेक्चर नंबर चेंज करके जीरो जीरो डाल दिया गया और आज का लेक्चर नंबर डाला गया है है ठीक सो वी विल हैव अ वंडरफुल टाइम टुगेदर द ओनली थिंग इज आपको क्या करना है आपको बस स्टे ट्यून्ड रहना है और उसके लिए आपको हर वक्त आंसर्स देने हैं गलत सही मत सोचो कुछ यहां इस पूरे क्लास में सब लोग पागल है मुझे एक को छोड़कर ठीक है सब लोग पागल है किसी की चिंता मत करो जब आप क्लास में बैठे हो तो आप यही सोचो कि आपका जो एक सोच हिचकी चार्ट होती है ना देने में वो में वो साइड रखना चाहिए कभी भी उसके लिए एक ही लॉजिक है सब पागल जब आप ये सोचते हो कि मेरी कोई इज्जत नहीं है मैं भी पागल हूं मेरे साथ आसपास सब पागल है तो आप कुछ भी नहीं सोचते हो आप बस आंसर देते रहते हो और आंसर देना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि गाइज इसी की वजह से आपको आपके सब्जेक्ट का डीपर अंडरस्टैंडिंग होगा अगर आप बस मन में सोचते रहेंगे और बोलेंगे कि हम बस बोल नहीं रहे सर हम सोच रहे तो उससे ऐसा होता है कि आप सिर्फ एग्जाम में भी सोचते रह जाओगे लिखोगे कुछ नहीं वो हमें नहीं चाहिए ठीक है तो दोबी इंटरेस्टिंग थिंग टू स्टार्ट दैट इज द मोस्टनिंग टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक फॉर फाइनेंस दैट इज चैप्टर नंबर वन

वो चार्ट बुक आपको बेस बनाना है कल का डिस्कशन अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था आपको कि जो भी चार्ट बुक है उससे हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अच्छे से और जो भी टेक्स्ट बुक है उससे आपको समझेगा कि कंसेप्ट तो समझ गया अब आंसर कैसे प्रेजेंट करना है कंसेप्ट तो समझ गया अभी आंसर कैसे प्रेजेंट करना है ठीक है वो आपको टेक्सट बुक से समझेगा टेक्सट बुक में पूरे क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर दिखेंगे आपको आपने कल जाके वेरीफाई किया क्या कि आईसीआई मॉड्यूल से आपको दिखा होगा हर क्वेश्चन का वर्ड है

यहाँ पर सभी रैंकर्स के नाम होते हैं या फिर ऐसे स्टूडेंट्स के नाम होते हैं जो लोग बहुत अच्छे स्कोर करते हैं ओके okay? ये सैम्पल लिस्ट है ये एक सैम्पल लिस्ट है कि ये स्कोर्स हमारे एग्जाम्स में आ चुके हैं बस एम करो कि आपका भी नाम यहाँ पर आना चाहिए अगले बैच के स्टूडेंट्स भी आपका नाम पढ़ना चाहिए और आप जब फाइनल में होंगे तो बोलना चाहिए वो इंटर की बुक में मेरा नाम है ठीक है तो वो एम के साथ आपको पढ़ना है एंड हिस्ट्री प्रूवन कि लोगों ने स्कोर किया है और आप भी स्कोर कर सकते हो ठीक है चार चैप्टर होते हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में पहला चैप्टर चैप्टर है ऑफ नेशनल इनकम सेकंड इज पब्लिक फाइनेंस आप सबको पता है पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या होता है पब्लिक फाइनेंस मतलब इन शॉर्ट पब्लिक रेवेन्यू पब्लिक एक्सपेंडिचर पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर ओके तो ये सब पब्लिक फाइनेंस रिलेटेड चीजें होती है तीसरा टॉपिक आता है दोस्तों मनी मार्केट जब हम पब्लिक फाइनेंस बोलते हैं तो रोल ऑफ गवर्नमेंट कम्स इनटू पिक्चर रोल ऑफ गवर्नमेंट कम्स इनटू पिक्चर वेर एज वेन वी से मनी सप्लाई या मनी मार्केट तो रोल ऑफ आरबीआई कम्स इनटू पिक्चर ठीक है तो थर्ड टॉपिक विल बी डीलिंग विद द रोल ऑफ आरबीआई मनी मार्केट सेकेंड चैप्टर विल बी डीलिंग विद द रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट इज पब्लिक फाइनेंस द फोर्थ टॉपिक इज इंटरनेशनल मार्केट इंटरनेशनल मार्केट इंटरनेशनल ट्रेड इज नथिंग बट इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स एंड एवरीथिंग ठीक है तो guys, तो आर आर फोर टॉपिक्स वी गोइंग टू स्टडी इन डिटेल एवरीथिंग ठीक है पर कुछ जगह आपको ब्लैंक दिखेंगे बीच बीच में वो आपके खुद के नोट्स के लिए आपको अगर लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है तो आप यहां पर लिख सकते हो यहां पर क्या लिखना है ये ऑब्वियसली आपका लॉजिक है ठीक है अगर बहुत कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा तो मैं वैसे भी आपको लिखा दूंगा यहां पर नहीं लिखाऊंगा जिस पार्ट पर हम लोग पढ़ रहे वहीं पर लिखाएंगे ठीक है यस रोहित सर आपका ऑनलाइन डाउनलोड रियो प्लेयर में चलेगा या वी स्मार्ट ऐप पे चलेगा टेक्निकल टीम रेस्पॉन्ड नहीं कर रही रोहित कल अगर आप प्रेजेंट रहे होंगे क्लास में तो आपको इसका आंसर मेरे तरफ से ही मिल जाएगा रहेगा बट शायद आप कल नहीं थे रोहित तो हमारे सभी लेक्चर्स रियो प्लेयर पे चलने वाले रियो प्लेयर पे चलने वाले हैं सभी लेक्चर्स और वो भी कल परसों से शुरू होंगे डोंट वरी और अगले सात दिन तक YouTube लाइव भी रहेगा सो so नथिंग टू वरी एट ऑल फिलहाल टेक्निकल टीम को भी अपडेट नहीं किया गया बिकॉज सब कुछ YouTube लाइव चल रहा है तो आप भी जुड़े रहिए सिलेबस पढ़ना इंपॉर्टेंट है और हम लोग मिलकर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे उत्तराखंड से आप। ओके चलिए लेट स्टार्ट पहले मुझे बताइए नेशनल इनकम मेजर क्यों करना है नेशनल इनकम कोई भी कंट्री का मेजर ही क्यों करना है आखिर क्या लगता है आपको यूज ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम पर इनकम निकालने के लिए वॉट इज पर कैपिटल इनकम इनकम पर पर्सन वेरी गुड पर कैपिटा का मीनिंग तुमने बता दिया सिद्धांत ना हाँ ग्रेस माय मेमोरी वेरी स्ट्रांग तो मेमोरी कैसे स्ट्रांग की जाती है वो भी बता दूंगा मैं आपको तो यहां पर ना पर कैपिटल इनकम का मतलब होता है पर पर्सन इनकम पर पर्सन ठीक है तो इनकम पर पर्सन जानने के लिए ओके okay, ताकि आपको पता चले कि टोटल इनकम में से पर per पर्सन मतलब एवरेज इनकम कितना है ठीक है और आपको नेशनल इनकम क्यों निकालना है पॉवर्टी लाइन डिसाइड करने के लिए गरीबी का कितने लेवल पर है उससे ऊपर के लोग अब पॉवर्टी लाइन है वो अमीर नहीं है बस वो गरीब नहीं है उसके, के अमीर नहीं होते, उसके मतलब होता है कि बस नहीं है ठीक है तो पॉवर्टी लाइन डिफाइन करने के लिए फाइन और किससे कितना टैक्स लेना है तो वो तो टैक्सेशन से समझ जाएगा इनकम निकालने की क्या जरूरत है देश के फ्यूचर इकोनॉमी कैसे ग्रोथ होगी मतलब आपको पॉलिसी फॉर्मुलेशन की बात करनी है शायद पॉलिसी फॉर्मुलेशन डिसाइड करने के लिए और पॉलिसी फॉर्मुलेशन मतलब ये जो अभी अपन ने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा ना कि गवर्नमेंट का रोल क्या होता है आरबीआई का रोल क्या होता है बस दैट इज नथिंग बट पॉलिसी फॉर्मुलेशन तो उनको डिसाइड करने के लिए उनको आगे बढ़ाने के लिए अपने अगले कदम को डिसाइड करने के लिए गवर्नमेंट को यह तो देखना होगा कि अभी की हालत क्या है मुझे बताइए चलो आपके हर साल रिजल्ट्स आते हैं क्यों निकाले जाते हैं रिजल्ट्स हर साल आपका करंट परफॉर्मेंस देखने के लिए ऑब्वियसली निकाला मिला, मिला रहेगा तो आपके पेरेंट्स बोलते हैं आपके फ्रेंड के मुकाबले आपको कम मिला है? राइट तो इसको और कुछ नहीं हम बोलेंगे कि एक जगह हम लोग इंटर कंपनी देख रहे एक जगह अपन इंट्रा कंपनी देख रहे कुछ समझ आके ये वर्ड्स इंटर कंट्री इंट्रा कंट्री कंपनी जनरली वर्ड यूज होता है इसलिए मैंने पहले कंपनी वर्ड यूज किया बट जनरली ऐसा होता है कि मेरा ही कंट्री का परफॉर्मेंस किसी और कंट्री के साथ अगर मैं मेजर करूं तो उसे इंटर कंट्री बोलेंगे और मेरे ही कंट्री का परफॉर्मेंस मेरे ही साथ पिछले साल के साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो उसे इंट्रा बोलेंगे कभी आपने इंटर कॉलेज सुना है इंटर स्कूल इंटर कॉलेज कंपटीशनस होना रहेगा ना बस वो याद रखो लॉजिक व्हाट इज इंटर स्कूल

नेशनल इनकम मेजर इसलिए करना है क्योंकि बेसिकली मुझे ये देखना है कि मेरी कंट्री का अभी का परफॉर्मेंस कैसा है चलो लास्ट ईयर के साथ कैसा है इस साल किसी और कंट्री के साथ कैसा है तो आपको क्या लगता है सभी कंट्रीज जो नेशनल इनकम मेजर करते हैं उनका यूनिफॉर्मिटी होगा या अलग 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 लॉजिक से हर कोई अपना नेशनल इनकम निकालता होगा अलग अलग निकालता होगा तो फिर कंट्री का परफॉर्मेंस कैसे मेजर होगा उनको बेस पर कन्वर्ट करके ओके उनको एक किसी बेस पर कन्वर्ट करने के लिए ठीक है अगर हर कंट्री अपना नेशनल इनकम अपने तौर तरीके से निकाले जाए तो फिर इनका परफॉर्मेंस मेजर हो ही नहीं सकता कंपेयर तो बिल्कुल नहीं हो सकता फॉर एग्जाम्पल कल जाके मतलब ऐसा समझ लो नेक्स्ट डे इवनिंग कल शाम आठ बजे मोदी जी टेलीविजन पे आ गए और मोदी जी ने अपने को नेशनल टेलीविजन पे बोला भाइयों और बहनों हमारा देश आगे बढ़ रहा है और अब समय आ चुका है कि हम हमारा नेशनल इनकम अपने खुद के तरीकों से निकाले और हम एक काम करेंगे आज से आगे जो भी नेशनल इनकम बाकी देश निकालते हैं उसको हम एडॉप्ट नहीं करेंगे और भारत देश आगे बढ़ रहा है भाइयों और अपना खुद का नेशनल इनकम का तौर तरीका रहेगा नेशनल इनकम हम अपनी तरीके से निकालेंगे हमारा देश हमारा तरीका वैसे भी एक टैगलाइन तो होती है उनके हर भाषण में तो उन्होंने ये टैगलाइन दे दिया मेरा देश मेरा तरीका राइट right? तो ऐसा हुआ तो बाकी कंट्रीज सोचने लग गए कि अरे यार ये इंडिया ने तो अपना खुद का तौर तरीका निकाल लिया फिर अब कैसा होगा परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन कल जाकर रिलायंस ने बोल दिया कि मेरे अकाउंटिंग्स मेरे हिसाब से होंगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग हम अलग मोदी जी है पीछे है ना तो दोस्तों ऐसा अगर हुआ तो क्या होगा एवरी कंट्री विल हैव देयर देयर ओन ओन स्टैंडर्ड्स तौर तरीके वैसे जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाए गए हैं ताकि यूनिफॉर्मिटी हो ताकि एक कंपनी का परफॉर्मेंस दूसरे कंपनी के साथ मेजर हो यूनिफॉर्मिटी हो वैसे ही कंट्रीज का नेशनल इनकम का भी यूनिफॉर्मिटी होना जरूरी होता है दोस्तों इसलिए यूएन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग अडॉप्ट किया गया है बाय यूनाइटेड नेशंस तो यूनाइटेड नेशंस ने एक सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग डेवलप किया उसके तहत हमारा नेशनल इनकम जो है वो मेजर होता है और उसी तरीके से निकाला जाता है अगर कोई देश दूसरे तरीके से निकालता है तो उसे उस स्टैंडर्ड पे लाया जाता है वापस से कंपैरिजन पर्पस के लिए नहीं अगर लाया गया तो वो कंपैरिजन के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा तो यहां पर कोई अपने देश का यू नो प्राइम मिनिस्टर दूसरे देश में जनरली प्राइम मिनिस्टर लेस इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है और प्रेसिडेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है आपको पता होगा तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आर मोर इंपॉर्टेंट देर तो ऑब्वियसली अगर वो प्रेसिडेंट डिसाइड कर रहा है मेरा तरीका अपना प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेगा अपना तरीका तो ऑब्वियसली हर कोई अपने अपने डायरेक्शन में चलेगा हर किसी का नेशनल इनकम का बेस ही अलग रहेगा तो कंपेरिजन होगा ही नहीं नेशनल इनकम का अकाउंटिंग सही तरीके से होना चाहिए एक ही बेस से होना चाहिए बेस होना चाहिए तब जाकर आप उसे कंपेयर कर सकते हो तो सबसे पहली बात सभी कंट्रीज यूएन सिस्टम ऑफ नेशनल पास अलग तौर तरीके है क्या नहीं है और अगर रहेंगे भी तो वो यूनिफॉर्मिटी के लिए एक ही स्टैंडर्ड पे लाके कंपैरिजन किए जाएंगे ठीक है तो एज ऑफ नाउ फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग

फिर ऐसे कैसे पॉसिबल होगा सो बट हाउ टू कैलकुलेट द टोटल इनकम रेवेन्यू जनरेटेड मुश्किल है ना देखिए नेशनल इनकम इज नथिंग बट इट इज द मनी वैल्यू इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेस ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आर कंट्री ओके एंड प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसको थोड़ा ब्रेकअप कर करके अच्छे से समझेंगे आपके चार्ट में आपको स्टार्टिंग में ये एक एक्सप्लेनेशन uh, मिलेगा दिख रहा है क्या सबको चार्ट बुक में येस और नो मिल रहा है क्या सबको तो यहां पर देखिए नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज नेट वैल्यू ऑफ ऑल द इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर आप सबको पता है अकाउंटिंग ईयर क्या होता है प्लस मतलब इसके साथ साथ और कुछ जोड़ा जाता है और वो क्या है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हर एक चीज को थोड़ा स्प्लिट कर, कर समझेंगे सबसे पहले नेट वैल्यू क्यों लिखा है आपको थोड़ी टाइम बाद समझेगा अभी के लिए मैं यह बता दूंगा कि इट इज नथिंग बट इट इट इज इज नेट नेट ऑफ ऑफ डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ठीक है इसलिए उसको बोला गया है नेट वैल्यू ऑफ ऑल द इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेस इकोनॉमिक गुड्स कौन से होते हैं और नॉन इकोनॉमिक कौन से होते कॉमन सेंस इकोनॉमिक गुड्स कौन से होते जिनको हमने प्रोड्यूस किया बिकॉज हमें पैसा कमाना है नॉन इकोनॉमिक गुड्स कौन से होते हैं बिकॉज हमने ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए रहेंगे जिनका मनी में वैल्यू हम कभी मेजर करते ही नहीं है क्योंकि वो पर्सनल सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन से हमने किया है फॉर एग्जाम्पल अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेस में आएगा क्या यस हैव आई चार्ज यू फीस फॉर दिस यस तो ये इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेस में आएगा आर यू अंडरस्टैंडिंग बट सपोज आपके पेरेंट आपको एक आदा कंसेप्ट समझाते हैं मैथ्स का एक नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको नहीं आ रहा है आपके डैड या मॉम सुपर पे मैथ्स में वो बोले अरे बेटा खूब सोप है ये बस बहुत इजी है आ, और समझा दिया उन्होंने दो मिनट में तुझे ठीक है अब ये उन्होंने भी समझाया और ये मैं भी समझा रहा हूं मगर दोनों में डिफरेंस है उनकी एक्टिविटी को हम बुलाएंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इज नॉट डन फॉर मनी पर्पज बट आई एम डूइंग इट फॉर मनी पर्पज आई होप यू अंडरस्टैंड एवरी डे यूर पेरेंट्स कुक फॉर यू इधर मॉम और डैड वॉट एवर आउट ऑफ हॉबी अगर डैड क्रुप करते होंगे तो या फिर मॉम ऑब्लगेशन की वगैरह वॉट एवर ठीक है तो आपके लिए खाना बनाते हैं इतने सुबह भी आपके लिए कुछ चाय ब्रेकफास्ट वगैरह बनता है या एटलीस्ट शाम को रेडी हो जाता है कुछ तो गई इसका मतलब यह हुआ कि ये सर्विसेस भी गुड्स एंड सर्विसेस में आनी चाहिए मगर फिर ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग में नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी था ये मगर यही अगर कोई रेस्टोरेंट वाला हॉस्टल वालों के लिए बनाता है तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ गया आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी सिंपल इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नेशनल इनकम में कौन सा आएगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज आएंगे सो वी आर सेल इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आर कंट्री ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है सर डिफाइंड टेरिटरी होती है हर कंट्री की जीएसटी में पढ़ा होगा आपने कस्टम्स में मेनली पढ़ा है क्या टेरिटोरियल वाटर्स वगैरह सब कुछ यस दैट इज अवर डिफाइंड डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब इन शॉर्ट आप अगर आपको सिंपल भाषा में समझाना है तो इट इज नथिंग बट एक जोग्राफिकल एरिया जो अपने कंट्री के अंदर आता है एक जोग्राफिकल एरिया जो अपने कंट्री के अंदर आता है ऐसे हम लोग बोलना चाहिए हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी ठीक है तो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए थे उनकी नेट मनी वैल्यू उनकी नेट मनी वैल्यू दैट विल बी कॉल्ड एज नेशनल इनकम बट इसमें प्लस और क्या एड किया अपन ने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में सिर्फ इंडियंस रहते हैं क्या सिर्फ इंडियंस बिजनेस कर रहे हैं क्या अच्छा सभी इंडियन सिर्फ हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में है क्या नहीं इनफैक्ट इंडियंस तो बहुत अब्रॉड दिखते है क्योंकि पूरे वर्ल्ड का अगर 17 परसेंट पॉपुलेशन इंडिया का है तो हर सिक्स परसेंट इंडियन है तो मिलने तो वाले ये बाहर बराबर है तो अब ये जो कंट्री का पॉपुलेशन है ये आउटसाइड इंडिया भी डिसाइड करता है मगर ऑब्वियसली वो इंडियंस है तो उनका इनकम शुड बी काउंटेड इन द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया

तो ऑब्वियसली यहां से जो भी प्रोड्यूस होगा वो वहां पे इनकम जाएगा कि यहां का इनकम है वो वहां जाएगा ऑब्वियसली जो लेबर वगैरह का पेमेंट होगा वो अपना इनकम है मगर जो फाइनल प्रॉफिट वो तो तो उनकी ही है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में सिर्फ इंडियंस प्रोड्यूस नहीं करते एट द सेम टाइम सभी इंडियंस हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं है ठीक है तो अब मॉरल ऑफ द स्टोरी में आपको बोलता हूं कि काफी इंडियंस ऐसे हैं जो बाहर से इनकम कमा के इंडिया में दे रहे हैं और काफी फॉरेनर्स ऐसे जो इंडिया से इनकम कमा के बाहर भेज रहे तो इनका अगर नेट हिसाब किया जाए तो इसे बोलते नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड सर ये फैक्टर क्या होता है अरे वही फेवरेट वाला क्वेश्चन आपका फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हर कॉमर्स के स्टूडेंट का फेवरेट क्वेश्चन आर द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर ये बोलते कॉन्फिडेंस आ जाता है इकोनॉमिक्स अपने को भी आता है तो बस वही फोर फैक्टर्स की बात कर रहा हूं मैं आपको वही उनका ही इनकम की बात कर रहा हूं मैं आपको इनके रेमुनरेशन इनके इनकम आपको मालूम है ना लैंड को क्या मिलता है रेंट लेबर को वेजेस कैपिटल को इंटरेस्ट एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट बस दैट्स इट समझे क्या तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वो भी नेट किया जा रहा है इसका मतलब इन शॉर्ट अगर इंडियंस ने बाहर से सौ रुपए कमाए और फॉरेनर्स ने इंडिया से एटी रुपीज कमाया तो मतलब अपन ने नेट बाहर से ट्वेंटी रुपीज कमाया अच्छा कैन दिस एन एफ आई कैन दिस एन एफ आई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को मैं एन एफ आई बुला रहा हूं एन एफ आई इज शॉर्ट फॉर्म फॉर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एवरीबडी विल से सेन एफ आई इज इक्वल टू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ठीक है अब कैन दिस एन एफ आई बी निगेटिव इज इट पॉसिबल यस ऑफ कोर्स इंडिया के लोगों ने सौ रुपए कमाए मगर फॉरेनर्स ने इंडिया से वन फिफ्टी कमाया तो एन एफ आई कितना हो गया? 50. पहले वाले एग्जाम्पल में पॉजिटिव ट्वेंटी पॉसिबल आई होप यू अंडरस्टैंड ठीक है तो सर फिर प्लस क्यों लिखा है सर माइनस भी तो हो सकता है ना तो प्लस एंड नेगेटिव फिगर विल बिकम माइनस ओनली ना आर यू जिपिंग सबको समझा ग्रेट तो नेशनल इनकम एक बार फिर से रीड करेंगे अगर आपको कोई भी वर्ड याद नहीं आता है आप स्क्रीन पे बिंदास देख सकते हो आपके सामने चार्ट बुक है वहां पर भी आप देख सकते हो ठीक है बट ट्राई टू रीड विथ मी ठीक है नेशनल इनकम इज द नेट वैल्यू ऑफ ऑल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेस प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आर कंट्री इन एन अकाउंटिंग प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बस ये डेफिनेशन आपको अच्छे से आना चाहिए ठीक है समझ गया मीनिंग के साथ समझा ओके okay. अभी नेशनल इनकम नेशनल इनकम अकाउंटिंग बाय नोबल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट सुमिन कुजनिट्स एंड रिचर्ड स्टोन रिचर्ड स्टोन तो ये इसका प्रोनाउंसिएशन वैसे ही करना जिससे आपको स्पेलिंग समझे प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करना है या स्पेलिंग करेक्ट लिखना है स्पेलिंग करेक्ट लिखना है क्योंकि ओरल एग्जाम एग्जाम नहीं है है आने वाले नहीं है ठीक एमसीक्यू तो यहां पर आपने ये जो पढ़ा अभी इसमें मैंने जो नाम बोले प्रोनाशिएशन वाइज गलत भी हो सकते मुझे कोई केयर नहीं है जो वीडियो में सुन रहा है या मेरे सामने सुन रहे आप लोग को मैं क्लियरली बता रहा हूं हम प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे जिससे हमको स्पेलिंग लिखने आए तो हम बोलेंगे सिमोन एंड रिचर्ड स्टोन ठीक है है अब ये बाय क्या होता नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिक्स तो पता है आपको बट पायोनियर बाय मतलब क्या फर्स्ट टाइम गिवन बाय पायोनियर बाय मतलब क्या होता है फर्स्ट टाइम गिवन बाय ठीक है लिख दो उधर मीनिंग हर जगह आपको मीनिंग्स लिखने हैं फर्स्ट टाइम गिवन बाय फर्स्ट टाइम गिवन बायोनियड बाय नेशनल इनकम अकाउंटिंग वॉज पायोनियड बाय नोबेल प्राइस विनर इकोनॉमिस्ट Kuznets एंड रिचर्ड स्टोन तो बस ये ऐसे जनरल याद रख लो अगर एक आधा सेंटेंस एक्स्ट्रा लिखना रहा तो ये काम में आएगा कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि नेशनल का अकाउंटिंग किसने दिया क्योंकि एक मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहता है एमसीक्यू नहीं रहता है मगर अगर नेशनल इनकम अकाउंटिंग पे कोई क्वेश्चन आता है तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग हम जो स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे कि आखिर नेशनल इनकम अकाउंटिंग हम क्यों करें तो बहुत सा सिंपल सा लॉजिक आता है उसका कि वी वॉन्ट टू नो द कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल इनकम हमको क्या देखना है कि हमारे नेशनल इनकम में कितना इनकम कौन से सोर्स से आया है क्या बोला मैंने कितना इनकम और वो भी कौन से सोर्स से आया है देर आर थ्री सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी यू नो थ्री सेक्टर्स बोलो कौन कौन से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर मतलब क्या क्या आता है एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज हॉर्टिकल्चर वगैरह सब सेकेंडरी में क्या आता है मैन्युफैक्चरिंग मतलब इंडस्ट्रीज और तीसरा टर्शरी मतलब सर्विसेस परफेक्ट यहां तक तो आपको मालूम है इसका मतलब चैप्टर वन का मेन पार्ट तो आपको ऑलरेडी आता है तीन पार्ट तीन सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ठीक है अब कौन से सोर्स से मतलब कौन से सेक्टर से कितना आ रहा है उसमें भी सब सेक्टर होते होंगे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टर्शरी सेक्टर की बात करूं चलो सर्विसेस सर्विसेस में कितने सारे सर्विसेस है भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवोकेट आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर्स ट्रांसपोर्टेशन डॉक्टर ये सब क्या है ऑफ है बैंकिंग इंश्योरेंस तो भाई कौन से सेक्टर से कितना इनकम आ रहा है नोइंग द एंड स्ट्रक्चर समझा क्या कौन से से सोर्स कितना इनकम आ रहा है ये हम खुद एनालिसिस के लिए ड्रॉ करते हैं इसलिए हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग करते हैं ठीक है थीके? दूसरा पहला रीजन क्या था वाई वी वॉन्ट टू नो देश वी आर डूइंग नेशनल इनकम अकाउंटिंग वी वॉन्ट टू नो द कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अवर नेशनल इनकम

बढ़ रहा है तो किस कारण से बढ़ रहा है देखो और उसको आगे और बढ़ावा दो घट रहा है तो किस कारण से घट रहा है और उसको थोड़ा प्रिकॉशन लेकर रोको सो so, हम लोग यहां पर एनालाइज करेंगे करेंगे एंड कि हमारा इकोनॉमी का, का परफॉर्मेंस हमारे साथ कैसा है पिछले साल के साथ या फिर किसी और इकोनॉमी के साथ कैसा है तो परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन दो तरीके के हो सकते हैं एक इंटर कंट्री हो सकता है और एक इंट्रा कंट्री भी हो सकता है परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स विद इन टू कंट्रीज क्या बोलेंगे इंट्रा की इंटर इंटर एंड सेम कंट्री टू डिफरेंट इंट्रा ठीक है अब देखिए हम लोग हमारे इकोनॉमी का परफॉर्मेंस इवेल्युएट भी करना चाहते हैं और मेजर भी करना चाहते हैं कि परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है ठीक है दिस इज सेकेंड रीजन

बार बार बोलेंगे ना आपको वैसे भी कॉमा फुल स्टॉप जैसा याद हो जाएगा ठीक है सब लोग तो यहां पर हम लोग इकोनॉमिक पॉलिसीज को दो टाइप में डिवाइड करेंगे कौन से दो टाइप की इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है एक जो गवर्नमेंट करता है और एक जो आरबीआई करता है गवर्नमेंट जो करता है उसे बोलते हैं फिजकल पॉलिसी क्या बोलते हैं फिजकल पॉलिसी तो यहां पर हम लिखेंगे फिजिकल पॉलिसी इकोनॉमिक पॉलिसी में पहला पॉलिसी आया फिजकल पॉलिसी और दूसरा पॉलिसी दोस्तों आता है आरबीआई वाला पॉलिसी जिसको हम बोलेंगे मॉनिटरी पॉलिसी तो दूसरा पॉलिसी कौन सा आएगा मॉनिटरी पॉलिसी पहला पॉलिसी कौन सा है फिजिकल फिजिकल कौन डिसाइड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मॉनिटरी कौन डिसाइड करता है आरबीआई अच्छा आपने देखा क्या कि अभी ये जो कोविड सिचुएशंस वगैरह थी इसमें आरबीआई ने कुछ पॉलिसीज लाई आरबीआई के जो गवर्नर है वो सामने आए टेलीविजन पर उन्होंने बताया कि ये होगा वो होगा मोरेटोरियम पीरियड दिया जाएगा मतलब जिन्होंने लोन लिया रहेगा उनके तीन महीने के ई देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम भी समझते हैं कि आप डिफिकल्ट टाइम्स में हो नेशनल लॉकडाउन चल रहा है आपके बिजनेसेस बंद है इनकम अगर जीरो है तो बैंक के ऑब्लिगेशन कैसे दोगे आप तो अगर जिन जिन बिजनेसेस को ये डिफिकल्टी आ रही है उनको तीन महीने का आरबीआई ने क्या दिया मोरेटोरियम पीरियड दिया व्हाट इज मोरेटोरियम पीरियड डोंट पे एनी इंस्टॉलमेंट दैट इज कॉल्ड एज मोराटोरियम ये भी तो आरबीआई के गवर्नर को आके बोलना पड़ा सामने ये भी तो देश के लिए डिसाइड करनी पड़ती है लुकिंग एट इकोनॉमिक सिचुएशन ही तो डिसाइड की गई है, वैसे सेम, काफी बार ऐसा होता है देश का इन्फ्लेशन बढ़ता है देश का इन्फ्लेशन घटता है जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे इंपैक्ट होता है तो ऑब्वियसली लुकिंग एट इकोनॉमिक सिचुएशन टाइम टू टाइम आरबीआई भी अपनी पॉलिसीज डिसाइड करता है

समझे लास्ट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन देखो एंड इकोनॉमिक फोरकास्टिंग करो व्हाट इज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वेदर इट इज इवन और इट इज अन ईवन व्हाट इज इवन एंड अन ईवन इक्वल या फिर इनईक्वल समझे क्या तो इवन अन ईवन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इसको बोलते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन चेक करो इन इनकम बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए इन ऑफ़ इनकम कम होनी चाहिए, चाहिए दोस्तों इनकम जितनी बढ़ेगी उतना ऑब्वियसली पॉवर्टी लेवल बढ़ेगा और उतना ही यू नो गैप बिटवीन टू पीपल टू कैटेगरी ऑफ पीपल बढ़ेगा जो देश के लिए अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली हम जब नेशनल इनकम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि ये इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है ये इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या इनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वेरी गुड जो कि परफेक्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो पॉसिबल ही नहीं बट एटलीस्ट द गैप शुड बी लेस आर यू अंडरस्टैंडिंग मतलब रिच कैटेगरी के पास क्या है और पुअर कैटेगरी के पास क्या है इसका गैप तो एटलीस्ट कम होना चाहिए बाकी देश में अपने इंडिया में ऐसा बिलो पॉवर्टी लाइन कॉन्सेप्ट है Re, थोड़े डेवलप्ड नेशंस में उधर पॉवर्टी मतलब पॉवर्टी देखा जाता है, ही देखा जाता है बस. का ही बुक, बाकी देशों में ये है इंडिया में अपन जो मेजर करते हैं उसे एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब देख लो भाई ये पॉवर्टी लाइन है इसके नीचे कितने लोग हैं तो उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी मगर गैप बिटवीन रिच एंड पुअर को अगर फोकस किया जाए तो उसे क्या बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी समझ गए ठीक है तो हम देखना चाहते हैं हमारा इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और हम ये भी देखना चाहते हैं कि आज जो दिख रहा है उसके हिसाब से फ्यूचर फोरकास्टिंग कैसा होगा ठीक है तो चार यूजफुलनेस यहां पर दिखाया मैंने आपको यूजफुलनेस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग कितने हैं चार ठीक है रिवाइज भी करेंगे कल वापस तो याद हो जाएगा डोंट वरी एट ऑल

डिफरेंट कॉन्सेप्ट में आपको यहां पर पर कैपिटल इनकम दिया है जो उसने बोला पर कैपिटल इनकम बट इनकम पर पर्सन दूसरा हम देखेंगे पर्सनल इनकम क्या होता है डिस्पोजिबल इनकम क्या होता है और लास्ट हम देखेंगे प्राइवेट इनकम क्या होता है ठीक है मगर ये देखिए उसी के अंदर यह भी एरो दिए हुए यह सब कॉन्सेप्ट हमें देखना है जीएनपी एन एन पी जी डी पी एनडीपी

नेट नेशनल प्रोडक्ट एन एन पी स्टैंड फॉर नेट नेशनल प्रोडक्ट समझ गए एंड एनडीपी स्टैंड फॉर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब कुल मिलाकर एक्चुअली दो ही वर्ड याद हैं, ग्रॉस नेट एंड नेशनल डोमेस्टिक समझे कि आपको पहला जी क्या रहेगा ग्रॉस पहला एन क्या रहेगा नेट इसका मतलब पहला लेटर जो आ रहा है जी या एन वो दो ही टाइप का है कौन से दो टाइप का है ग्रॉस या नेट दूसरा लेटर आ सकता है या तो डी या तो एन डी स्टैंड फॉर डोमेस्टिक एन स्टैंड फॉर नेशनल एंड लास्ट लेटर जो है वो सब जगह एक ही है प्रोडक्ट ठीक है तो हम लोग इसमें हर जगह देखने वाले जीएनपी अगर रहेगा तो एट मार्केट प्राइस एट फैक्टर कॉस्ट एनएनपी रहेगा तो एट मार्केट प्राइस एट फैक्टर कॉस्ट जीडीपी रहेगा तो वापस एट मार्केट प्राइस एट फैक्टर कॉस्ट एनडीपी भी रहेगा तो एट मार्केट प्राइस एट फैक्टर कॉस्ट मतलब इतने सारे जो आपको अलग अलग चीजें दिख रहे हैं हर चीज या तो मार्केट प्राइस पे निकलेगी या तो फैक्टर कॉस्ट पे निकलेगी वॉट इज मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट नहीं बताया मैंने मैं आपको सिर्फ अभी बता रहा हूँ वराइटी क्या क्या है हम डीपर जाएंगे तब देखेंगे उसमें क्या क्या आता है तो अब तक जो मैंने आपको बताया उसमें पहला लेटर क्या आ सकता है जी या फिर एन दूसरा लेटर क्या आ सकता है डी या फिर एन लास्ट लेटर हर वक्त पी रहेगा उसके बाद अब जी इज ग्रॉस एन इज नेट तो जी के जगह यहां पर क्या आ सकता है एन ठीक है या तो ग्रॉस या तो नेट डी इज डोमेस्टिक डोमेस्टिक के जगह या तो डोमेस्टिक आएगा या तो नेशनल आएगा ठीक है एवरीवन क्लियर एवरीबॉडी या तो जीडीपी आएगा या तो एनडीपी आएगा या तो एन एन पी आएगा कुछ भी आया तो आपको पता है कि उसका लॉन्ग फॉर्म क्या है ठीक है अब थोड़ा फोकस अपन इस पर करेंगे कि जीडीपी क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है पहला लेटर क्या रहा है ग्रॉस ग्रॉस मीन्स ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन ग्रॉस मीन्स ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन आपको याद है नेशनल इनकम अकाउंटिंग के वक्त वर्ड आया था और नेट के वक्त भी मैंने क्या बोला था नेट ऑफ डेप्रिसिएशन जब मैं नेट बोलता हूं मतलब माइनस करना है जब मैं ग्रॉस बोलता हूं मतलब माइनस नहीं करना है इंक्लूड करना है इसका मतलब जब डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है तो क्या आएगा ग्रॉस जब डेप्रीसिएशन एक्सक्लूड हो गया तो नेट अच्छा डेप्रिसिएशन क्या होता है वही डेप्रिसिएशन जो आपने अकाउंटिंग में पढ़ा है जो फिक्स्ड एसेट्स पर चार्ज होता है उसी डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं जिसका तो इनफैक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आपको आता है एस सिक्स है शायद ना टेन टेन है क्या डेप्रिसिएशन का फर्स्ट रूप में है टेन है कंफ्यूज लग रही हो कुछ लोग टेन ही है ना ठीक है जो भी है इनफैक्ट यहां पर कुछ काम में नहीं आएगा वो उसका कोई रेलेवेंस नहीं मैं ऐसे ही बोल रहा था आपको ठीक है डरो मत याद नहीं भी रहेगा तो टेंशन मत लो अभी ध्यान देना क्रॉस क्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन नेट नेट ऑफ डेप्रिसिएशन ग्रॉस मतलब डेप्रिसिएशन शुड बी इंक्लूडेड नेट मतलब डेप्रिसिएशन शुड बी एक्सक्लूडेड ठीक है डी स्टैंड फॉर डोमेस्टिक अपने ही टेरिटरी में ध्यान दे डोमेस्टिक नेशनल मतलब अपने डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर सोच नेशन के एंगल से सोच तो कौन सा टर्म वाइडर हो गया नेशनल कौन सा टर्म नैरोस्टिक डोमेस्टिक डोमेस्टिक बोला तू सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी को देख रहा है मगर जब नेशनल बोला तू नेशन के एंगल से देख रहा है डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर बाहर भी देख रहा है है कि कोई -indian, कोई नॉन इंडियन इंडियंस क्या कोई इंडियंस बाहर है क्या और उनका इनकम क्या क्या है तो डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर सोचना को क्या बोलेंगे नेशनल सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी को सोचने को क्या बोलेंगे डोमेस्टिक ठीक है एवरीवन <sniffs> एंड ये जो है ये दो टाइप आते हैं हर जगह या तो मार्केट प्राइस आता है या तो फैक्टर कॉस्ट आता है या तो मार्केट प्राइस आएगा या तो फैक्टर कॉस्ट आएगा ठीक है अब मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूं अच्छे से सब लोग ध्यान देंगे अभी दोस्तों जब हम जीडीपी बोलते हैं सपोज वी स्टार्ट विथ स्टार्ट विथ जीडीपी ठीक है तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज जीडीपी ठीक है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज जीडीपी मुझे ना एनडीपी पर पहुंचना है कॉमन सेंस यूज करो एनडीपी पर पहुंचना है कॉमन सेंस यूज करके बताओ क्या करना चाहिए यस वेरी गुड जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन विल गिव मी एनडीपी समझा यहां तक की बात ठीक एन डीपी तो आ गया अब मुझे ना ये एन को एन ही रखना है मतलब नेट को नेट ही रखना है मगर डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है ठीक है तो ये जो एन एन पी बन जाएगा फिर ये, करेक्ट है क्या सब लोग ध्यान देंगे एन एन पी बन रहा है ये अब ये डी और एन में डिफरेंस क्या पहले मुझे डिफरेंस ऑफ दैट एब्रिविएशन बताओ डोमेस्टिक नेशनल कौन सा वाइडर है नेशनल मतलब ऐड करना है या लेस करना है ऐड करना है कॉमन सेंस यूज कर रहे हो डोमेस्टिक में कुछ ऐड करेंगे तो नेशनल पे जाएंगे अच्छा क्या ऐड करेंगे इंडिया के बाहर कोई कोई इंडियंस है क्या डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर कोई इंडियंस है क्या अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में कोई नॉन इंडियंस है क्या अच्छा ये जानकर क्या कर लोगे उनका इनकम ऐड करो इधर के लोगों का इनकम लेस करो जो फॉरेनर्स है आर यू अंडरस्टैंडिंग

माइनस करना चाहिए और वो बीस का इनकम ऐड करना चाहिए अच्छा तो ये पहले लेस करो वो ऐड करो उससे अच्छा नेट हिसाब ऐड कर दो ना उन बीस का इनकम देखो कितना है कितना है सपोज सौ है इन चार का इनकम कितना है अस्सी है तो अपन क्या करना चाहिए ट्वेंटी ऐड कर देना चाहिए बस दैट इज कॉल्ड एज एन एफ आई ए लॉन्ग फॉर्म नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो मैंने डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए क्या करना चाहिए एड एन एफ आई ए करना चाहिए वेरी गुड उधर के लोग भी आंसर दे रहे हैं वेरी गुड वेरी गुड सो एड एन एफ आई करना चाहिए लिखो मत लिखो मत आई गिव यू टाइम टू राइट डोंट वरी एंड लिखते वक्त स्क्रीन की तरफ देखेंगे नहीं जरूरत भी नहीं रहना चाहिए स्क्रीन की तरफ देखने की ठीक है अब सर ये तो कर ही रहे मगर नेशनल इनकम क्या है इस जीडीपी नेशनल इनकम एनडीपी नेशनल इनकम एनएनपी नेशनल इनकम नेशनल इनकम दोस्तों नेशनल इनकम किसको बोलेंगे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को नेशनल इनकम बोलेंगे तो अगर ये फैक्टर कॉस्ट था तो ये भी फैक्टर कॉस्ट है और ये भी फैक्टर कॉस्ट है अब मैं इसको बुला सकता हूं कि ये मेरा नेशनल इनकम है ये मेरा नेशनल इनकम है ठीक है सर व्हाट अबाउट इफ इट इज एट मार्केट प्राइस वो बाद में देखते हैं पहले ये समझा मैंने स्टार्टिंग से उसको क्या रखा फैक्टर कॉस्ट तो एंड तक क्या रहेगा वो फैक्टर कॉस्ट ही रहेगा सर फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो रेम्यूनोरेशन uh, रहता है उसी पर निकाला हुआ है और कुछ भी एड नहीं किया लेस नहीं किया है मैडम चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के रेमोनोरेशन वेजेस सैलरी वगैरह ये सब लेबर के अंदर आ गया रेंट आ गया लैंड के लिए कैपिटल आ गया कैपिटल का आ गया, का आ गया गया इंटरेस्ट एंड का का प्रॉफिट ठीक है तो ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रेमोनोरेशन पर अगर मैं गुड्स एंड सर्विसेज को वैल्यू करूं तो इसे बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट आर यू गेटिंग फेयर आइडिया वॉट इज फैक्टर कॉस्ट गुड्स एंड सर्विसेज फॉर एग्जाम्पल ये आईपैड है ये आईपैड के अंदर सैलरी वेजेस इंक्लूडेड है इस आईपैड को बनाया इसके सैलरी वेजेस इंक्लूडेड है ठीक है ये जिस फैक्ट्री में बना रहेगा एप्पल के या जो भी है उसके रेंट इंक्लूडेड है यस फिर इसके अंदर आपके जो बोरोड कैपिटल है उसका इंटरेस्ट इंक्लूडेड है यस और जो है उनके प्रॉफिट इंक्लूडेड है यस तो ये बन गया आईपैड का फैक्टर कॉस्ट समझे क्या तो सर लॉजिकली स्पीकिंग फिर ये सेलिंग प्राइस ही है सर लॉजिकली स्पीकिंग आपने फैक्टर कॉस्ट पे इस आईपैड को बाय किया है क्योंकि उसमें प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है यू आर करेक्ट इफ देर इज नो रोल ऑफ गवर्नमेंट इफ देर इज नो रोल ऑफ गवर्नमेंट बट रोल गवर्नमेंट का होता ही है हर एम आर पी के आगे आपको क्या दिखता है ब्रैकेट में क्या लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस भाई साहब इसका मतलब जो प्राइस में पे कर रहा हूं इसमें इन चारों के अलावा टैक्सेस भी एडेड है टिंग द डिफरेंस बिट्वीन फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस यस और नो लॉजिक क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा यस yes. अब आप लिखोगे ये फ्लो लिख लो पहले और यह फ्लो सिर्फ इसी पैटर्न में रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा जरूरी नहीं है इसका मतलब क्या कि आप जी डी पी के बाद जी एन पी पर भी आ सकते हो आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो मुझे बताओ जीडीपी से जीएनपी बोलो फॉर एग्जाम्पल ऊपर मत देखो दो मिनट के लिए सोचो जी डी पी पर है और जाना है जी एन पी पर बस कॉमन सेंस ये डोमेस्टिक है ना भाई इसके साथ एड डेप्रिसिएशन क्यों लेस नहीं किया क्योंकि ग्रॉस को तो ग्रॉस ही रखा है ना समझा कोई भी चीज अगर आप रट्टा मारने के एंगल से नहीं समझोगे तो आपको सब समझेगा अपने क्लास में रट्टा नहीं चलेगा कॉन्सेप्ट ही चलेंगे तो कॉन्सेप्टचुअली सोचो ग्रॉस को ग्रॉस ही रखना है तो डेप्रिसिएशन क्यों लेस करूं भाई मगर डोमेस्टिक से नेशनल जाना है डोमेस्टिक से नेशनल जाना है बाहर का देखना है तो क्या करना पड़ेगा एनएफआई ऐड करना पड़ेगा करेक्ट क्या हम लोग एनडीपी से एनएनपी जा सकते डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा यहां पर भी तो डोमेस्टिक से नेशनली जा रहे हैं। मतलब यहां पर भी तो एड एनएफआई करना पड़ेगा अच्छा क्या हम लोग जी एन पी से जी डी पी जा सकते यस yes. yes, क्या करना पड़ेगा नेशनल से डोमेस्टिक आ रहे लेस एन एफ आई करना पड़ेगा वेरी गुड अब आपको लॉजिक समझ रहे क्या और क्या हम एनडीपी से जी डी पी जा सकते हैं नेट से ग्रॉस पे आना है एड डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा क्योंकि नेट तो हो गया मतलब लेस डेप्रिसिएशन था अब अपने को ग्रॉस पे जाना है तो एड डेप्रिसिएशन करके ग्रॉस पे आना पड़ेगा ना लॉजिक्स क्लियर अब आप फ्लो लिख लो ये फ्लो का यही फॉर्मेट होना जरूरी नहीं है

तब जब इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल ही नहीं है बट रियल लाइफ में इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल होता है क्योंकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू की जरूरत होती है ठीक है यहां तक का पार्ट क्लियर है सबको ये बाकी की चीजें लिखने की जरूरत नहीं है हमें प्रैक्टिस से आ जाएगी डोंट वरी ये सब जो मैंने बताया ये वैसे भी आपने ही आंसर दिए मैंने कुछ अलग से कॉन्सेप्ट नहीं बताया ये ठीक है ये फ्लो समझा सबको एनी डाउट विद द फ्लो प्लीज लेट मी नो इफ इफर इज एनी डाउट विद द फ्लो श्योर पक्का चलो अब मैं आपको जीडीपी के बारे में बताता हूं सब लोग ध्यान से सुनेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है जीडीपी चार टाइप में डिवाइड हो सकता है जी चार टाइप में डिवाइड हो सकता है ठीक है वट इज जी डी पी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये चार टाइप में डिवाइड हो सकता है सबसे पहले अपन बात करेंगे रियल जी डी पी के जो कि बहुत बहुत और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसी रियल जी डीपी को बोलते हैं जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइस क्या बोलते बोलो जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइस मत लिखो पहले समझ लो ठीक है जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइस का दूसरा नाम क्या है रियल जीडीपी बोलो रियल जीडीपी ठीक है ध्यान से सुनो मेरी बात इसमें क्या होता है फॉर एग्जाम्पल वी आर डूइंग दिस फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी वन डैश ट्वेंटी टू ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है ठीक है ट्वेंटी ट्वेंटी वन डैश ट्वेंटी टू मतलब फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी वन से थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू इस साल का मैं जीडीपी देख रहा हूं इज दैट क्लियर ठीक है तो यहां पर मैं क्या करता हूं इस रियल जीडीपी के केस में मैं क्या करता हूं ध्यान से सुनो मैं जितने भी इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए थे एक साल भर में अकाउंटिंग ईयर में मेरे डोमेस्टिक टेरिटरी में ठीक है उनका क्वांटिटी ले लेता हूं प्रोडक्शन ऑफ ट्वेंटी 22 उस साल में कितना प्रोडक्शन हुआ था मल्टीप्लाई करता हूं उनके मनी वैल्यू पे आना है ना मुझे तो मल्टीप्लाई करता हूं मैं प्राइजेस प्राइजेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही तो हमको मनी वैल्यू मिलेगा करेक्ट तो हम प्राइजेस मतलब मल्टीप्लाई कर प्राइजेस पर आ रहे बट प्राइजेस से मल्टीप्लाई कर एक मॉनेटरी वैल्यू पर आ रहे हैं बट मुझे यह बोलना है कि प्राइजेस से आप मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो आप सीधा प्रोडक्शन 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 ऐड करके डायरेक्टली वैल्यू क्यों नहीं निकाल रहे हो वाई यू यू रिक्वायर मनी वैल्यू वाई यू रिक्वायर मॉनिटरी वैल्यू बिकॉज हर चीज का मेजरिंग यूनिट अलग है हर चीज का मेजरिंग यूनिट अलग है फॉर एग्जाम्पल साल भर में मेरे कंट्री में बीस हजार ए सी बने दो लाख लीटर दूध प्रोड्यूस हुआ पांच लाख लीटर ऑयल बना अब बोलो इन सबको ऐड करके क्या मैं फाइव लाख प्लस टू लाख प्लस ट्वेंटी थाउजेंड करूँ क्या इससे कुछ लॉजिकल आंसर आने वाला है क्या मगर इन सब का एक कॉमन बेस अगर रहेगा तो वो मनी वैल्यू है ना तेल को उसके प्राइस से मल्टीप्लाई करो एसी को उसके प्राइस से मल्टीप्लाई करो दूध को उसके प्राइस से मल्टीप्लाई करो एंड सीधा तीनों के मॉनिट्री वैल्यू को ऐड करो नाउ इज दिस लॉजिकल यस इसलिए हम किस पर अराइव कर रहे हैं मॉनिट्री वैल्यू पर समझे क्या मनी वैल्यू आप समझे आपको ठीक है अब प्राइजेस मल्टीप्लाई करना है तो अब हम क्या कर रहे प्राइजेस ऑफ टू थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर रहे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सर ऐसे क्यों कर रहे हैं आपको समझेगा डोंट वरी तो इससे जो वैल्यू आएगी ना इसको हम बुलाते हैं जी डी पी कौन सा वाला जीडीपी रियल जी डी पी ठीक है एट कांस्टेंट प्राइसेस ऑफ व्हिच ईयर एट कांस्टेंट प्राइसेस ऑफ व्हिच ईयर 1718 1718 को बोलने का बेस ईयर 1718 को क्या बोलने का बेस ईयर सब लोग ध्यान से सुनो अब आपको लॉजिक समझेगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं जस्ट इमेजिन करो इसके पिछले साल में क्या किया रहेगा इसके पिछले साल में क्या किया रहेगा इमेजिन करो तो आपको समझेगा कि प्रोडक्शन सर आपने लिया रहेगा प्रोडक्शन ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी डैश ट्वेंटी वन करेक्ट मल्टीप्लाई किया रहेगा सर आपने प्राइजेस ऑफ सिक्सटीन सेवनटीन करूं या 17, एटीन करू बेसर सेवनटीन डैश एटीन ही लेंगे अब इससे आएगा आपको वापस से रियल जीडीपी फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी वन रियल जीडीपी फॉर 2021 एट कांस्टेंट प्राइसेस ऑफ 1780 सर ये कैसे कर रहे ये तो समझ रहा है मगर क्यों कर रहे बिल्कुल नहीं समझ रहा है ध्यान से सुनो इसको और बेटर समझने के लिए मैं आपको सेकंड टाइप दिखाता हूं ठीक है चार टाइप है ये सेकंड टाइप यहां पर आएगा ठीक है डोंट राइट एनीथिंग फर्स्ट अंडरस्टैंड ठीक है ऐसा समझने का कि अपन खुद ही विदाउट देखे लिखने का तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं डोंट राइट ठीक है अब देखो इसके वर्सेस में आता है नॉमिनल जीडीपी अब आप खुद ही लॉजिक समझ जाओगे कि हमने ऐसा क्यों किया नॉमिनल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी को बोलते हैं और जीडीपी एट करंट प्राइसेस क्या बोलते हैं जीडीपी एट करंट प्राइसेस मतलब अभी के प्राइसेस तो अब इसमें क्या होगा प्रोडक्शन ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी वन डैश ट्वेंटी टू लिया जाएगा मल्टीप्लाइड बाय प्राइजेस ऑफ करंट ईयर मतलब क्या लेंगे ट्वेंटी ट्वेंटी वन डैश ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी वन डैश ट्वेंटी टू ही लिया जाएगा और इससे जो आंसर आएगा ना ये आएगा आपका नॉमिनल जी ठीक है हाँ ये थोड़ा लॉजिकल लग रहा है सर जिस साल का प्रोडक्शन उस साल का प्राइस लास्ट ईयर क्या किया रहेगा इस केस में प्रोडक्शन ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी वन मल्टीप्लाइडेड बाई प्राइजेज ऑफ बोलो ट्वेंटी ट्वेंटी वन लिया रहेगा और इससे उस लास्ट ईयर का आपको क्या मिला रहेगा नॉमिनल जी मिला रहेगा करेक्ट एवरीबडी यहां तक की बात क्लियर है अच्छा आपको प्राइमा फेसिया मतलब ऊपर से देखकर कौन सा ज्यादा लॉजिकल लग रहा है फर्स्ट या सेकंड सेकंड वाला चलो इस साल का फिगर 13.5 पॉइंट था एग्जांपल था और इस बार का फिगर 15 लैक्स है ठीक है एग्जांपल ले रहे अपन साढ़े तेरह लाख नीचे वाला फिगर था लास्ट ईयर का और इस बार का फिगर 15 लैक्स है यहां पर बारह लाख था और ये तेरह लाख हो गया ठीक है ध्यान से समझे मुझे बताओ लॉजिकली रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी में आप नॉमिनल जीडीपी मतलब सेकंड वाले केस में कैन यू क्लियरली से दैट यू आर प्रोग्रेसिंग कैन यू क्लियरली से दैट यू आर प्रोग्रेसिंग नो व्हाई नॉट तो ये जैसे साढ़े तेरह लाख आया और ये जैसे पंद्रह लाख आया तो आप बोलो क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि वी मे नॉट बी प्रोग्रेसिंग मुझे तो नंबर बढ़कर दिख रहा है मैं तो खुश हूं हाँ तो प्रोडक्शन मुझे तो देखो मेरा अंडरस्टैंडिंग क्या दिख रहा है मैं आपको बताता हूं करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग लास्ट ईयर साढ़े तेरह लाख था इस बार पंद्रह लाख है मतलब आई एम मेकिंग मोर प्रोडक्शन आई एम ग्रोइंग माई कंट्री इज ग्रोइंग इंफ्लेशन का इंपैक्ट इसमें दिख, दिख सकता है ना दिख सकता है क्या इसमें इंफ्लेशन का इंपैक्ट कैसे दिखेगा हो सकता है ना कि 2021 मतलब लास्ट ईयर में प्राइजेस थोड़े कम थे 2021-22 मतलब अभी के साल में प्राइजेस बढ़ चुके हैं कितने परसेंट से दस परसेंट से एग्जाम्पल पंद्रह परसेंट से और हम यहां पर देख रहे हैं कि अपना तेरह साढ़े तेरह लाख का फिगर पंद्रह लाख हो गया एंड वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट शुड वी बी हैप्पी अबाउट इट कंफर्मली शुड वी बी हैप्पी नो कैन आई से से ये इंक्रीज दोनों रीजन की वजह हो सकता है या दोनों में से एक रीजन की वजह से भी हो सकता है कौन से दो रीजन से या तो प्रोडक्शन बड़ा होगा या तो प्राइजेस बड़े होंगे या तो दोनों बड़ा होगा या तो हो सकता है एक ज्यादा बड़ा और एक घटा और नेट इंपैक्ट इंक्रीज आ रहा है आर यू अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम मगर रियल जीडीपी में ऐसा हो सकता है क्या अगर रियल जीडीपी 12 लाख है और अभी 13 लाख हो गया कैन वी कंफर्मली से वी आर प्रोग्रेसिंग अब आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग के बाद क्या समझ रहा है कौन सा ज्यादा लॉजिकल है कंपैरिजन के लिए रियल जीडीपी। नाम भी तो रियल है ना असली जीडीपी ये है भाई इस पे ध्यान दे क्यों सर ये लॉजिकल क्यों है भाई अगर 12 लाख का फिगर 13 लाख हो रहा है और दोनों जगह मैंने प्राइजेस सेम ईयर के लिए लिए हैं इसका मतलब 12 लाख का फिगर 13 लाख तभी हुआ है जब मैंने लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल प्रोडक्शन ज्यादा किया है जेपिंग क्या सबको समझा क्या अच्छे से तो ये है रियल एंड नॉमिनल जीडीपी कंपैरिजन के लिए रियल जीडीपी ज्यादा यूजफुल है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखने के लिए भी रियल जीडीपी होना चाहिए क्योंकि इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटाकर देखना चाहिए अपने क्या हो रहा है पर कैपिटल इनकम निकालने के लिए भी रियल जीडीपी देखो आप रियल जी डीपी डिवाइड इनकम दैट इज पर पर्सन कितना हो रहा है जिसमें प्राइस का इफेक्ट नहीं आना चाहिए कंपैरिजन परपज के लिए भी कौन सा जीडीपी ज्यादा यूजफुल है रियल जीडीपी समझे अब आप लिख सकते हो चार टाइप में आएंगे ये दो टाइप है नीचे दो टाइप में और लिख दूंगा ठीक है तो आप स्पेस मैनेजमेंट अच्छे से कीजिए नोटबुक में जीडीपी रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी रियल का नाम है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस नॉमिनल का नाम है रियल नॉमिनल का नाम है जीडीपी एट करेंट प्राइस Without looking at the screen, write it wherever required, refer the screen. Every time looking at the screen is not good because you understood the concept. लिखा अच्छे से लिखा चार्ट बुक में ये सेम चीज लिखी है बट ईयर अलग है बस क्योंकि अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो कुछ भी ईयर हो सकते हैं ठीक है वहां पे बेस ईयर कौन सा है फोर्टीन डैश फिफ्टीन वहां पर हम प्रोडक्शन किसका देख रहे हैं ट्वेंटी ट्वेंटी डैश ट्वेंटी वन बेस ईयर आपका वो ईयर होता है जिस ईयर के आपके पास सभी प्राइजेस अवेलेबल होते हैं जिस ईयर के आपके सभी प्राइजेस अवेलेबल होते हैं वो आपका बेस ईयर होता है ऑल द गुड्स एंड सर्विसेस उनके जिस ईयर के प्राइजेस आपके पास अवेलेबल होंगे वो बेस ईयर रहेगा हर चार साल से पांच साल के अंदर बेस ईयर चेंज होता है क्योंकि उस टाइम तक अपने अगले बेस ईयर के प्राइजेस रेडी हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल अभी अगर ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव वगैरह की बात करूंगा तो मैं सेम बेस ईयर नहीं रखूंगा फिर मैं बेस ईयर भी तो 2021 पे शिफ्ट कर सकता हूं ना तो बेस ईयर भी शिफ्ट होता है जैसे जैसे ईयर आगे जाते बट बेस ईयर प्राइमा या वो ईयर है जहां पे आपके पास सभी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस अवेलेबल है ठीक है क्या बेस ईयर के सिलेक्शन के क्राइटेरिया अगर आप पूछ रहे हो तो बहुत से फैक्टर्स हैं जैसे कि अगर, अगर लॉकडाउन का ईयर बोला तो उसका बेस ईयर क्यों लिया जाए उस टाइम पे तो कोविड आ गया था प्रोडक्शन मैक्सिमम चीजों का तो बंद ही था को छोड़कर, तो उस साल को बेस ईयर नहीं लेना चाहिए ऐसा है ठीक है यहां तक का पार्ट क्लियर है ओके अब आगे बढ़ते नेक्स्ट टू टाइप में यहां पर नीचे दिखा रहा हूं ठीक है तो नेक्स्ट टू टाइप ऑफ जीडीपी जीडीपी के ही दो टाइप और बचे हैं वो यहां पे मैं दिखा रहा हूं आपको कंटिन्यू करना है वही चार्ट ठीक है वन इज कॉल्ड एज जीडीपी एट मार्केट प्राइस द अदर इज कॉल्ड एज जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ठीक है जो आपका क्यूरियसिटी था कि दोनों में क्या डिफरेंस है ठीक है कॉमेंट्स में भी यहां पर दिख रहा था मुझे कि इसमें ये डिफरेंस होगा ना सर उसमें वो डिफरेंस होगा ना सर तो अब आप ध्यान से सुन सकते हो कि आपको डिफरेंस क्या दिखता है हर बार याद रखना एम आर पी इज मार्केट प्राइस एज यू ऑल नो एम आर पी इज मार्केट प्राइस और एम आर पी के आगे क्या लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस इसका मतलब गवर्नमेंट का रोल पिक्चर में आ रहा है समथिंग रिलेटेड टू टैक्स हो रहा है अच्छा मुझे बोलो मार्केट प्राइस में टैक्सेस इंक्लूडेड रहते कि एक्सक्लूड हो जाते इंक्लूडेड रहते हैं कौन से टैक्सेस है ये डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है

अगर मैं फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाने की बात करूं कहां से कहां पे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस तो मैं क्या बोलूंगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू सपोज मैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पर हूं तो इस आईपैड की कीमत में क्या क्या आ गया लेबर के वेजेस सैलरीज आ गए रेंट आ गया कैपिटल बॉर जो था उसका इंटरेस्ट आ गया एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट भी आ चुका है फिर दोस्तों ये हमारा सेलिंग प्राइस क्यों नहीं हो सकता क्योंकि जब जब तुम कोई चीज बेचते हो गवर्नमेंट बोलता है हमारे को भी हिस्सा चाहिए इसमें ठीक है प्रोड्यूस तूने किया मेहनत तूने किया मगर देश हमारा है तो हमको भी बदले में कुछ दे तो फिर हम इसको क्या देते कौन से टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स तो दोस्त डोंट यू थिंक कि आपको फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस एड करने चाहिए यस और नो फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस आपने ऐड करना चाहिए तो इसलिए यहां पर मैं ऐड कर दूंगा आई डी टी वॉट इज आई डी टी इन टैक्सेस अच्छा जो हम गवर्नमेंट को दे रहे वो हम ऐड कर रहे हैं क्या दे रहे हैं हम गवर्नमेंट को टैक्स तो हम ऐड कर रहे हैं गवर्नमेंट भी हमको कुछ देता है ना सब्सिडीज ग्रांट्स सब्सिडीज बोलो मेनली उसको गुड्स एंड सर्विसेज पे क्या होता है सब्सिडीज होता है जैसे एलपीजी आप सबको पता है सिलेंडर उस पर सब्सिडी होता है ना बस याद रखो एग्जाम्पल सब्सिडी की वजह से मार्केट प्राइस बढ़ता है या घटता है सब्सिडी की वजह से मार्केट प्राइस क्या होता है कम होता जा, हो जाता है करेक्ट है कि नहीं तो सपोज फॉर एग्जाम्पल सिलेंडर पांच सौ रुपए का है टैक्सेस तीन सौ रुपए के तो सिलेंडर कितने का हो गया आठ सौ मगर गवर्नमेंट बोलता है नहीं नहीं, नहीं ज्यादा हो गया आठ एक काम करो अगर गरीब रहेगा तो सौ रुपए का सब्सिडी दो अब इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया सात सौ कुछ समझा क्या तो फिर सब्सिडीज की हद तक क्या करने का एड और लेस लेस सब्सिडीज होगा आर यू अंडरस्टैंडिंग जो चीज हम गवर्नमेंट को दे रहे अगर वो एड होता है तो जो गवर्नमेंट हमको देगा वो लेस ही होगा ना जो इनडायरेक्ट टैक्स के साथ होगा उसका अपोजिट सब्सिडी के साथ होगा याद रहेगा क्या जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के साथ होगा अपोजिट चीज सब्सिडीज के साथ होगी अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर रहे हो तो सब्सिडी आपने लेस करना चाहिए सही है मूनल अगर उल्टा जा रहे हैं सपोज अपन अपन जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना चाहते ऑलरेडी अपन इस आईपैड के मार्केट प्राइस पर है मुझे आईपैड का फैक्टर कॉस्ट निकालना है मैं आईपैड के मार्केट प्राइस मतलब एमआरपी को जानता हूं अब बोलो इस एमआरपी में से क्या करना पड़ेगा अपने को लेस yes. करना पड़ेगा इनडायरेक्ट टैक्सेस और एड करना पड़ेगा सब्सिडीज सुपर सबको समझा क्या अच्छा इन दोनों को मिलाकर एक शब्द है नेट आईडीटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट नेट ऑफ सब्सिडीज समझे क्या सबको समझा लिख लो तो लास्ट के दोनों का एक्सप्लेनेशन यही रहेगा एक्चुअली आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है या फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस आना है डिपेंड्स उसके बेसिस पर आप फ्लो डिसाइड करोगे प्लीज डोंट कॉपी फर्स्ट राइट देन कंफर्म तो टोटल कितने टाइप के जीडीपी हो गए चार कौन से चार एट कॉन्स्टेंट प्राइस जीडीपी एट करंट प्राइस एट मार्केट प्राइस जीडीपी एट फैक्टर दूसरा नाम रियल जीडीपी पहले दूसरा वाला जो था करंट प्राइस वाला उसका नाम नॉमिनल जीडीपी ठीक है यहां तक का पार्ट पूरा क्लियर कैन से दोस्तों Real GDP is without effect of inflation. Aisa bol ho main isko. without effect of inflation and nominal GDP is with effect of inflation. Likdo रियल जीडीपी विदाउट इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन क्योंकि अपन बेस ईयर के प्राइस को ही ले रहे उसमें इन्फ्लेशन का इंपैक्ट नहीं आया है क्योंकि दोनों साल अपन सेम ईयर का प्राइस ले रहे और कंपेयर कर रहे मगर नॉर्मिनल जीडीपी जो है उसमें हम करंट ईयर का प्राइस लेते जा रहे तो ऑब्वियसली लास्ट ईयर के मुकाबले इस बार का प्राइस शायद बड़ा हुआ रह सकता है इन्फ्लेशन हो सकता है अच्छा एक चीज आपने ऑब्जर्व की क्या कभी हम डिफ्लेशन बोलते ही नहीं हर वक्त इन्फ्लेशन ही बोलते हैं रियल लाइफ में कभी डिफ्लेशन भी हो सकता है मगर जनरली इन्फ्लेशन होता है इसलिए अपन इन्फ्लेशन लिखते हैं समझे क्या पूरे सिलेबस में इन्फ्लेशन ही वर्ड यूज होगा डिफ्लेशन वर्ड यूज नहीं होगा क्योंकि रेयरली कभी प्राइजेस गिरते जनरली प्राइजेस बढ़ते ही है बिकॉज यू नो टाइम वैल्यू ऑफ मनी ठीक है और नहीं पता रहेगा तो डोंट वरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कवर होगा वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है बट इन्फ्लेशन इज अ जनरल सीनारियो रिमेंबर डिफ्लेशन इज रेयर सीनारियो जनरली so, अपन बोलते सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं किसी चीज का प्राइस बढ़ गया बोलो उसका डिमांड क्या होगा कम हो गया आपने क्या एक्सेप्शन सोचा या जनरल सोचा बस हर वक्त आंसर देते वक्त हम लोग जनरलाइज आंसर देते एक्सेप्शनल आंसर नहीं देते समझे क्या एवरीबडी <coughs> तो यहां तक का पार्ट एकदम क्लियर है सबको अब जरा दो मिनट के लिए मैं चार्ट बुक पे आके आपको सभी चीजें बता रहा हूं सब लोग ध्यान से सुनेंगे अभी आई विल इरेज एंड आई विल चेक आउट वेदर यू नो एवरीथिंग नाउ ठीक है बोलिए सबसे पहले कवर्ड अपन पी जी डी पी दोनों का डिफरेंस बताओ डोमेस्टिक से नेशनल जा रहे, जा रहे तो क्या करना पड़ेगा एड एन एफ आई करना पड़ेगा करेक्ट रिवर्स जा रहे तो लेस एन एफ आई करना पड़ेगा गुड वन अब डू यू नो एन एन पी डू यू नो एन डी पी दोनों का डिफरेंस बताओ अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो डोमेस्टिक से वापस yes. नेशनल क्या करना पड़ेगा एड yes. एनएफआई करना पड़ेगा एवरीबडी yes. यहां वर्ड क्या है डोमेस्टिक यहां वर्ड क्या है नेशनल yes. दोनों वर्ड तो नेट नेट ही है यस yes. ओके okay. अब <coughs> मुझे बताओ कैन वी मेक अ फ्लो लाइक दिस एम गोइंग फ्रॉम ह्योर टू ह्योर बोलो जी एन पी से एन एन पी पर आ रहा हूं मैं वेरी गुड लेस डेप्रीसिएशन ठीक है कैन बी मेक अ फ्लो लाइक दिस जी एन पी से जी डी पी सोच के बोलो थोड़ा ट्विस्ट कर रहा हूं मैं अभी Less depreciation. Less depreciation. Less depreciation. जी ग्रॉसी ये भी ग्रॉसी डेप्रिसिएशन का संबंध है क्या नहीं है ये क्या है नेशनल आप ऑलरेडी उधर हो नेशनल पर हो आप और आपको पहुंचना कहां पर है डोमेस्टिक पर पहुंचना है लेस एनफाई करना पड़ेगा क्योंकि आप वाइडर कांसेप्ट से नैरोअर कांसेप्ट पे आ रहे हो लेस एनफाई करना पड़ेगा क्लिक हो रहा है क्या धीरे-धीरे फर्स्ट डे आज समझ रहा है फिर भी अपने को नेक्स्ट डे रिवीजन के वक्त तो और क्लियर होगा और एक टाइम के बाद में ये हर वक्त कभी तो भी पूछा तो याद आएगा रात के दो बजे नहीं याद आना चाहिए दोपहर के दो बजे याद आना चाहिए अपने को, ठीक है? रात के दो बजे का कोई उस नहीं इधर इधर बोलिए क्या करूं ग्रॉस नेशनल से नेट डोमेस्टिक पहला शब्द ग्रॉस और उधर नेट क्या करूं लेस डेप्रिसिएशन ठीक है सेकेंड वर्ड नेशनल दूसरा डोमेस्टिक वेरी गुड लेस एन एफ आई किया क्योंकि आप नेशनल से डोमेस्टिक आ रहे थे गुड वन सपोज फ्लो ही मैं रिवर्स कर दू इधर से इधर भेजना चाहता हूं मैं आपको नेट से ग्रॉस आना है एड डेप्रिसिएशन डोमेस्टिक से नेशनल आना है एड एनएफआई सी एवरीथिंग यू नो नाउ कंसेप्चुअली क्लियर होना तो रट्टे की जरूरत ही नहीं है रट्टा मारोगे दो दिन याद रहेगा छह दिन याद रहेगा चलो क्लास जब तक है तब तक याद रहेगा कॉन्सेप्ट आपको लाइफ टाइम याद रहेगा बराबर रहे, है सब क्लिक हो रहा है अच्छे से इसका मतलब चलो ये सब बातें आपको एकदम अच्छे से समझिए अब हर जगह मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट की लिखा है तो चलो मुझे बता दो मैं फैक्टर कॉस्ट से आपको मार्केट प्राइस ले जाना चाहता हूं एड आईडीटी लेस सब्सिडीज फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस मार्केट प्राइस इज ऑलवेज इंक्लूडिंग टैक्सेस तो ऐड कर टैक्सेस ऐड इनडायरेक्ट टैक्सेस और जो इनडायरेक्ट टैक्स के साथ किया है अपोजिट सब्सिडी के साथ कर लेस सब्सिडीज़ चलो रिवर्स जाना है मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर गुड वन ये सब हमने देखा क्या वन टू थ्री फोर देखा नहीं लिखा भी बराबर है सब कुछ नाउ कमिंग टू दिस फ्लो डू यू नो दिस फ्लो यह पूरा फ्लो अपन ने लिखा है क्या ये yes. इस फ्लो में अपन ने यह वाला पार्ट अलग से स्टडी किया बस कौन सा वाला मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट फैक्टर प्राइस टू मार्केट प्राइस ठीक है उसका भी एक दो मिनट के लिए झलक देख लेते बार अगर मैं जी डी पी एट मार्केट प्राइस से एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट मतलब नेशनल इनकम पर जाना चाहता हूं फ्लो बताइए पहला चीज लेस डेप्रीसिएशन कर दूके okay. क्या मिला एन डी पी एट मार्केट प्राइस मिला ठीक है फिर और क्या करूं अभी डोमेस्टिक से नेशनल जाना है सर तो क्या करेंगे एड एन एफ आई कर दिया तो क्या मिला एन एन पी एट मार्केट प्राइस मिला अब ये तो ऑलमोस्ट सेम हो गया एनएनपी चाहिए था एन आ गया बस मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है मार्केट प्राइस पर ऑलरेडी आप हो आपको फैक्टर कॉस्ट जाना है लेस आईडीटी डी टी एड सब्सिडीज एंड क्या मिला आपको एन एन एट फैक्टर कॉस्ट इन दोनों को मिलाकर क्या बुलाते हैं नेट आईडी कंसेप्चुअली तोड़ एकदम अच्छे से समझाए अब ध्यान से सुनो मेरी बात एग्जाम में एक वर्ड चेंज और आपका स्टेप चेंज हो जाएगा एग्जाम में देते वक्त तो वो ये सब एलिमेंट्स देंगे आपको नेट आईडीटी दिया या आईडीटी दिया देखने का अच्छे से क्योंकि वो सब्सिडीज भी देता है साला। इन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया और अलग से सब्सिडीज दिया स्टूडेंट्स क्या करते हैं बोलो दोनों का इंपैक्ट ले लेते मगर पहला वर्ड था नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसका मतलब सब्सिडी में उसका इंपैक्ट ऑलरेडी नेटेड आउट है तो तूने सब्सिडी अलग से कंसिडर नहीं करना चाहिए आर यू क्लियर इतने छोटे छोटे शब्दों पे ध्यान रहेगा क्या ओके okay. अभी एन एफ के आगे निगेटिव लिखा हुआ है एन एफ के आगे निगेटिव ट्वेंटी लिखा हुआ है क्या होगा तो जो स्टेप है वही करो बस वो मैथमेटिकली उसका इंपैक्ट करेक्ट कर दो आप बोलते हो प्लस एनएफआई नो प्रॉब्लम प्लस ट्वेंटी मतलब माइनस एनएफआई निगेटिव रहेगा तो कुछ अलग से स्टेप में चेंज करने की जरूरत नहीं है मैथमेटिकली जो चेंज होगा वो आपको लेना है समझे क्या और डोंट वरी सॉल्व प्रॉब्लम्स आल्सो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स विल करने वाले हैं। ठीक है? No doubt, पहले आपको रहेगा, फिर क्लास में डिस्कस होगा। <laughs> मैंने एक बात सोची है, आप एग्रीड हो क्या सोचो इधर क्लास में हम क्रॉस चेक करेंगे और हर चीज आप घर पे सॉल्व करोगे इससे दो चीज होगी मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं इससे दो चीज होगी आपका घर का टाइम थोड़ा बढ़ेगा मगर आपका सेल्फ स्टडी का टाइम बहुत एक्सटेंड तक कम हो जाएगा क्योंकि जब आप सेल्फ स्टडी करने बैठोगे तो आपको समझेगा कि ये सब चीजें तो आपने खुद ने पहले ही सॉल्व की है तो क्या लगता है डील इट्स अ डील होमवर्क दिया जाएगा चलो कोई बात नहीं एक आदि दिन तीस मिनट की जगह फोर्टी फाइव मिनट्स का होमवर्क रहेगा बट ये होमवर्क करने की वजह से आपको डाउट्स डिफिकल्टीज आएंगे जो क्लास में सॉल्व हो जाएंगे और आपका सेल्फ स्टडी का टाइमिंग जो लास्ट के दो महीने का रहेगा वो ग्रेट एक्सटेंड तक बच जाएगा ठीक है ना यस नाउ फ्रेंड्स देर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज जीडीपी डिफ्लेटर क्या नाम है जीडीपी डिफ्लेटर अच्छा दो शब्द है एक है इन्फ्लेटर एक है डिफ्लेटर इन्फ्लेटर मतलब बढ़ाता है डिफ्लेटर मतलब घटाता है कॉमन सेंस ठीक है तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या करता होगा दोस्तों कम करता होगा क्या करता होगा बोलो कम करता होगा तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटाता है इसलिए डिफ्लेटर कहलाया जाता है ध्यान से सुनो मेरी बात को वहां पढ़ो मत पढ़ना तो अपने को साथ में है पहले इधर ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं डिफ्लेटर कम करता है इन्फ्लेटर बढ़ाता है कंसेप्ट डिफ्लेटर है या इन्फ्लेटर डिफ्लेटर तो ये जीडीपी को क्या करता है कम करता है मतलब जीडीपी ऑलरेडी कोई तो भी इन्फ्लेटेड नंबर पर है उसको अपने को कम नंबर पर लाना है मतलब मुझे विदाउट देखे बोलो कि जीडीपी कहां पर रहेगा नॉमिनल पर रहेगा उसमें इन्फ्लेशन है याद है ना उसको आपको विदाउट इन्फ्लेशन लाना है मतलब कहां पे लाना है रियल पे लाना है खत्म जीडीपी डिफ्लेटर का कंसेप्ट आपको आ गया जीडीपी डिफ्लेटर इज यूज फॉर कन्वर्टिंग डैश जीडीपी टू डैश वंडरफुलॉर कन्वर्टिंग नॉर्मिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी भाई साहब एक फिगर नॉमिनल पे जिसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट ऑलरेडी है उसको हमें विदाउट इन्फ्लेशन पे लाना है तो क्या यूज करूं जीडीपी डिफ्लेटर ठीक है क्या समझा यहां तक तो आप जरा यह फॉर्मूला देखिए ये वाला फॉर्मूला देखिए पहले जीडीपी डिफ्लेटर यूज किया क्या यस yes. और नॉमिनल जी को कहां ला लिया रियल पे ला लिया कंसेप्ट मैच हुआ आपके साथ मैच हुआ क्या नॉमिनल GDP को अगर मुझे कम करना है तो मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं ये तो थर्ड स्टैंडर्ड का लॉजिक है थर्ड स्टैंडर्ड का लॉजिक है कोई नंबर को अगर कम करना है तो डिवाइड करना चाहिए कि मल्टीप्लाई डिवाइड तो नॉमिनल जीडीपी को डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर करूंगा तो क्या मिलेगा रियल जीडीपी अब इसको मैथमेटिकली चेंज करके मुझे बोलो नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए रियल जीडीपी डीपी इन टू जी डिफ्लेटर एंड जीडीपी डिफ्लेटर का अगर फॉर्मूला निकालना रहेगा तो चलो बताओ क्या होगा नॉमिनल जी डी रियल जी सब कुछ आपको तो आता है ऑलरेडी मुझे तो लग रहा है और इसके अलावा एक और फॉर्मूला आपने बताया कि अगर मुझे नॉमिनल जी डी पी निकालना होगा तो क्या करना होगा जो यहां लिखा भी नहीं है मगर आपने बताया मुझे मैथमेटिकली कर चेंज कर क्या था वो नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी इन टू डिफ्लेटर सी कॉमन सेंस इज अबाउ एवरी थिंग नॉमिनल जी डी है कि रियल नॉमिनल GDP डी है कि रियल नॉमिनल no. बढ़ा है तो so, मुझे रियल से अगर nominal जाना है तो मल्टीप्लाई करू कि डिवाइड मल्टीप्लाई तो किस से मल्टीप्लाई करू जीडीपी डिफ्लेटर और अगर रियल बढ़ा है कि nominal बढ़ा है फिर से बोलो no. Nominal बढ़ा है मुझे nominal से रियल जाना है yeah. बड़े से छोटे नंबर पर जाना है डिवाइड किससे डिवाइड करूं जीडीपी डिफ्लेटर से डिफ्लेटर बन रहे क्या ओके okay. अब जो हम बोल रहे थे वो क्या है? अभी ध्यान से सुनो जीडीपी डिफ्लेटर आपको बताता है कि आपके बेस ईयर के मुकाबले करंट ईयर में प्राइजेस कितने बढ़े जीडीपी डिफ्लेटर क्या बताता है बेस ईयर के मुकाबले करंट ईयर तक प्राइजेस कितने बढ़े अगर जीडीपी डिफ्लेटर कम हो रहा है तो प्राइजेस बढ़ नहीं रहे प्राइसेस कम हो रहे हैं समझा क्या एवरीवन देखिए अभी पढ़िए जीडीपी डिफ्लेटर एज द नेम इंप्लाइज़ कैन बी यूज्ड टू डिफ्लेट डिफ्लेट मतलब कम करना और टेक इन्फ्लेशन आउट ऑफ जीडीपी 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 में से इन्फ्लेशन हटाना है इसका मतलब कॉमन सेंस से कि पहले इंक्लूडेड है मतलब अपन किस पर हैNominal पर है और नोमिनल से अपन इन्फ्लेशन हटा रहे मतलब अपन रियल पर आ रहे हैं और उसके लिए किसका यूज करना पड़ रहा है जीडीपी डिफ्लेटर का यूज करना पड़ रहा है ओके इन अदर वर्ड्स जीडीपी डिफ्लेटर इज अ प्राइस इंडेक्स इसका मतलब जीडीपी डिफ्लेटर का एक और नाम है प्राइस इंडेक्स यूज्ड टू कन्वर्ट डैश जीडीपी टू डैश नॉमिनल जीडीपी टू एंड मैथमेटिकली वी कैन डू इनवर्स ऑल्सो उल्टा ऑल्सो रियल टू Nominal भी जा सकते हैं मगर ओरिजिनल स्टेप क्या है नॉमिनल से रियल जाओ नॉमिनल से रियल जाओ क्यों ओरिजिनल स्टेप ये है सर क्योंकि टेकिंग इन्फ्लेशन आउट ऑफ जीडीपी तो इसका मतलब नॉमिनल पहले है ऑलरेडी इन्फ्लेशन है और हम उसमें से इन्फ्लेशन हटा रहे हैं और हम रियल पर आ रहे क्लियर एवरीबॉडी तो व्हाट इज द ओरिजिनल फॉर्मूला नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर विल गिव यू रियल जीडीपी ठीक है राइट दिस फॉर्मुला इस जो भी आपने चार्ट बनाया रहेगा उसके नीचे आप लिख सकते हो उसके बाद आप लिख सकते हो मतलब जीडीपी डिफ्लेटर जीडीपी डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स जीडीपी डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स जीडीपी डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स ज यूज इज यूज फॉर्मूला लिखने के पहले एक लाइन लिख रहा हूं मैं ताकि आप जब पढ़ोगे नोटबुक तो आपको लॉजिक के साथ याद रहे इज यूज टू टेक आउट टू टेक आउट इनफ्लेशन आउट ऑफ जी डी पी टू टेक आउट इनफ्लेशन आउट ऑफ जीडीपी किसमें से क्या निकालना है जीडीपी में से इनफ्लेशन निकालना है तो मुझे बताओ हम कौन से जीडीपी पर है नॉमिनल जीडीपी डी कहां जा रहे रियल जी डी पी दस कन्वर्टिंग डैश जी डी पी टू डैश यस कन्वर्टिंग नॉमिनल जी डी पी टू रियल जीडीपी दस कन्वर्टिंग नॉमिनल जीडीपी टू रियल जी डी पी दस कन्वर्टिंग नॉमिनल जी डी पी टू रियल जी डी पी नीचे लिखो देर फोर रियल जी डीपी इज इक्वल टू फॉर्मूला लिख रहे अपन लोग देर फोर रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जी डी पी डिवाइडेड बाय जी डी पी डिफ्लेटर नॉमिनल जी डी पी डिवाइडेड बाय जी डी पी डिफ्लेटर लिखा तो इससे क्या मिला आपको इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन उसमें से हमने रियल पर आ गए मतलब इन्फ्लेशन हटा दिया किसकी मदद से जीडीपी डिफ्लेटर की मदद से डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके अगर हटाना ही था तो डिवाइड किया इंक्लूड करना रहता तो मल्टीप्लाई करते तो मैथमेटिकली इसी को अगर मैं मॉडिफाई करूं तो देयर फोर नॉमिनल जी डी पी इज इक्वल टू रियल जी डीपी इन टू डिफ्लेटर हो जाएगा ना वो डिनोमिनेटर ऑपोजिट साइड चला जाएगा ना समझे कि नहीं एवरीबडी यस देर ये फॉर्मूला भी लिख लो आप देर जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू अगर आपको जीडीपी डिफ्लेटर निकालना रहेगा तो आपको किसको किसके साथ कंपेयर करना होगा नॉमिनल को रियल के साथ कंपेयर करना होगा देर फोर जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इन टू हंड्रेड टू हंड्रेड क्यों किया जा रहा है कितना परसेंट प्राइस बढ़ा वो देखना जा, देखना चाहते हैं हम लिखा यहां तक? यहां तक समझे तक अच्छे से लास्ट पैराग्राफ भी पढ़ते हैं हम लोग क्या लिखा है वहां पर पढ़ो द डिफ्लेटर मेजर्स चेंजेस इन द प्राइस दैट इज अकर्ड बिटवीन डैश एंड डैश ईयर ईयर बेस एंड करंट ईयर इन अदर वर्ड्स इट मेजर्स करंट लेवल रिलेटिव टू ईयर मतलब क्या अगर है बेस ईयर आज से पांच साल पीछे और अभी पांच साल बाद का करंट ईयर है तो बेस ईयर मतलब पांच साल पहले के मुकाबले आज के प्राइसेस कितने बड़े हैं इज मेजर बाय जी डिफ्लेटर इज मेजर बाय जी डिफ्लेटर समझे एवरीबडी क्लियर एनी कन्फ्यूजन एनी डाउट पॉसिबिलिटी ऑफ ऑफ एनी डाउट लेट मी नो वी कैन टेक एन नंबर डोंट वरी इस पे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हम लोग बट कॉन्सेप्ट समझा क्या फॉर्मूला याद रखने के आपने नोटिस किया क्या कि जितने भी फॉर्मुले आपने लिखे मेरे साथ या जितने भी स्टेप्स लिखे एक जगह भी आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है हर जगह आपको बस सोचना है कि अपन ने क्लास में क्या डिस्कस किया है ठीक है आज जब घर जाओगे ये सब चीजों को एक बार आप रिवाइज तो कर ही लोगे कल सुबह आते साथ ही पहली चीज अपने को करना है पहले दस मिनट रि रिजर्व फॉर वाले और क्योंकि वही दस मिनट है जो आपका फाउंडेशन बना रहे बेस बना रहे अगले कॉन्सेप्ट के लिए यहां तक का पार्ट सबको समझा है अब आपको लग रहा होगा सर इतना देर हो गया और अपन सिर्फ दो पेज कवर किए ओके बट अब जरा ध्यान से सुनो इसके आगे जीएनपी एट मार्केट प्राइस डू यू नो यू नो दिस कंसेप्ट अच्छा मैथमेटिकली कैन यू टेक आउट दिस क्या टेकूला है वो जी से जीएनपी जाना है विदाउट देखे बोलो जी से जीएनपी जाना है डोमेस्टिक से नेशनल जाना है एट एनएफआई एन एफ आई उन्होंने लॉन्ग फॉर्म में लिखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कुछ अलग नहीं है फिर डू यू नो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ जी एन पी एट फैक्टर कॉस्ट ओके जी एन पी एट फैक्टर कॉस्ट पता है आपको अच्छा आपके चार्ट बुक में एक माइनर सा करेक्शन कर लो यहां पर जी एन पी लिख दो बस पी उधर प्रिंट नहीं हुआ है पेज नंबर थ्री पर बात कर रहा हूं मैं पेज नंबर थ्री पर चार्ट बुक में पेज नंबर थ्री पर जी एन पी प्रिंट नहीं हुआ उधर बस किया करेक्शन ओके okay. अब मुझे बोलो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जाना था हम मार्केट प्राइस पर है फैक्टर कॉस्ट पे जाना था हम मार्केट प्राइस पर है मार्केट प्राइस में कभी भी इंक्लूडिंग टैक्सेस होते हैं तो क्या करना पड़ेगा लेस इनडायरेक्ट टैक्स एड सब्सिडीज करना पड़ेगा या फिर नेट कर दो क्या नेट कर दो मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करो या लेस करो अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट पर पहुंचना है लेस कर दो क्योंकि मार्केट प्राइस इज ऑलवेज इंक्लूडिंग टैक्सेस इसके लिए भी कंसेप्ट बहुत सिंपल है एमआरपी के आगे क्या लिखा रहता है याद रखो इंक्लूसिव ऑफ टॉल टैक्सेस इतना सा चीज अगर याद रहेगा जो अपन ने पचासो बार महीने भर में पचासो बार देखा रहेगा तो अपने को कंसेप्ट पूरा क्लियर है ठीक है देन दोस्तों डू यू नो एन एन पी एट मार्केट प्राइस ट इज दैट नेट मतलब ग्रॉस ऑफ डिप्रिसन को नेट बना दिया नेशनल मतलब डोमेस्टिक से हम नेशनल ऑलरेडी आ चुके हैं एड एन एफ आई ऑलरेडी हो चुका है ठीक है एंड मार्केट प्राइस बोला इसका मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज का इंपैक्ट फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आने के लिए दे चुके है फैक्टर कॉस्ट पर अगर आप थे और मार्केट प्राइस पे जाना है तो आपको एड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करने पड़ेंगे एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करने पड़ेंगे करेक्ट तो वही सब कुछ लिखा है दोस्तों इधर डू यू नो दिस एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट विच इज नेशनल इनकम एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट विच इज नेशनल इनकम इसका मतलब अब आपको नेशनल इनकम का फर्स्ट जो डेफिनेशन पढ़ा था याद है क्या इट इज द नेट लिखा था क्या नेट इज इट नाउ क्लियर वाई इट इज रिटर्न एज नेट चलो मैं दो पेज पीछे ले जाके वापस पढ़ाता हूं आपको देखो अंडरलाइन भी है नेट, नेट वैल्यू क्यों लिखा है बोलो अभी नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज नेट वैल्यू नेट क्यों लिखा है उसमें इफेक्ट लेस कर कर आया है क्यों डेप्रिसिएशन इफेक्ट लेस किया है बिकॉज नेशनल इनकम इज एन एट फैक्टर कॉस्ट समझा क्या एवरीबॉडी। अच्छा उसमें प्लस एन एफ आई लिखा है आगे समझा क्या बिकॉज सेकेंड लेटर है नेशनल और अब तक तो अपन इकोनॉमिक गुड्स विद विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इन एन अकाउंटिंग ईयर ही देख रहे थे मतलब अपन प्लस एन एफ आई कर कर कहां चले गए नेशनल चले गए पहला ले, लेटर यहां पर एन आया बिकॉज नेट वैल्यू है दूसरा प्लस एन एफ आई अलग एड किया मतलब हम नेशनल पर आ चुके हैं आर यू अंडरस्टैंडिंग सबको समझ रहा है क्या Yes. <laughs> Now, do you know GDP at market price? Yes. GDP at factor cost? NDP at factor cost? Yes or no? Then हम लोग इसका मतलब पेज नंबर फोर तक सब कुछ कवर कर चुके हैं पेज नंबर फोर तक हमने सब कुछ कवर कर लिया है ओके okay? एक बार आज घर जाकर इन सभी छोटे छोटे पैराग्राफ्स को आप पढ़ोगे उनके फॉर्मुलेस जो नीचे लिखे हैं वो भी आप अच्छे से पढ़ोगे कोई भी पार्ट नहीं समझा रहेगा क्लास के स्टार्टिंग में मुझे बोलोगे ताकि मैं मैं आपके साथ कवर कर कवर कर कर लूंगा लूंगा के वक्त बोल दोगे ठीक है क्लासेस विल बी एटमोस्ट बोलोगेबल मेरा कोई एजेंडा नहीं होता है कि मैं यहां से शुरू करा यहां तक ही एंड करूंगा आज इतना पूरा पढ़ा कर ही रहूंगा मैं सच में बोलता हूं क्लास एंटर करने के वक्त भी मैं सोचता नहीं हूं कि मैं किधर तक पढ़ाऊंगा बट ये है कि फ्लो फ्लो में अपन जहां तक गए जहां तक मैं समझा सकूं और आप समझ सको अपने को आगे बढ़ना है ठीक है <laughs> यहां तक का पार्ट सबको क्लियर है ओके नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट पर कैपिटा इनकम मैंने आपको एक हिंट दी थी पर कैपिटा इनकम किस पे निकाला जाएगा रियल जीडीपी पर निकाला जाएगा व्हाट शुड बी द फॉर्मूला फॉर पर कैपिटा इनकम रियल जीडीपी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन अच्छा पॉपुलेशन तो साल भर सेम नहीं रहता है तो एवरेज पॉपुलेशन लिया जाता है बट लिखते वक्त अपन टोटल पॉपुलेशन बोलते हैं कंसेप्चुअली वो एवरेज पॉपुलेशन लिया जाता है कि स्टार्टिंग में कितना था एंड में कितना था तो दोनों को एड करके डिवाइड बाई टू कर दो तो एवरेजली कितना था ठीक है पर कैपिटल इनकम क्लियर है तो पर कैपिटल इनकम इज नथिंग बट जीडीपी पर कैपिटल इज मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक आउटपुट पर पर्सन मतलब भाई आप पूरे साल भर में इतना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो तो पर per पर्सन आपका कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है

बाई द टोटल पॉपुलेशन इसका मतलब कैन बी राइट द फॉर्मूला एज रियल जी डी पी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन रियल जी डी पी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इट सर्वस एज एन इंडिकेटर फॉर डैश स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द कंट्री सर ऐसा क्यू क्योंकि आउटपुट पर पर्सन से समझेगा कि पर per पर्सन कितना गुड्स एंड सर्विसेस अवेलेबल है जितना पर पर्सन गुड्स एंड सर्विस अवेलेबल ज्यादा रहेगा उतना हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर जाएगा जितना पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस कम रहेगा उतना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा कम होगा क्योंकि उतना हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होगा क्योंकि हमारा कंट्री का इनकम कम हो रहा है जितना पर पर्सन आउटपुट ज्यादा रहेगा उतना हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं उतना हमारा अर्निंग बढ़ सकता है उतना हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा समझे क्या तो डैश इज अ मेजर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डैश इज अ मेजर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर कैपिटा इनकम व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पर कैपिटा इनकम रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इफ यू गेट अ शॉर्ट नोट इफ इफ यू गेट अ शॉर्ट नोट ऑन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रियल जीडीपी ओके पर कैपिटा लिख सकते हो

उसके आसपास सब कुछ एक्टिव वाइज पैसिव वाइज है राइट right? वहां पर जितना ज्यादा लिखोगे मार्क्स ज्यादा मिलते हैं यहां पर जितना तुम टू द पॉइंट लिखोगे उतने मार्क्स ज्यादा मिलते हैं दो से तीन मार्क के क्वेश्चन से दोस्तों कल एफएमईको का पेपर हुआ आज क्लास का फर्स्ट डे मान सकते हैं हम लोग आज क्लास का फर्स्ट डे आज से एग्जैक्टली exactly 15 17 दिन बाद आपको मैं इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस का पेपर स्क्रीन पर दिखाऊंगा स्क्रीन पर दिखाऊंगा और आपको होमवर्क रहेगा कि वो पेपर सॉल्व करना है इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस का सिर्फ 40 मार्क का पेपर है। और आप सॉल्व करोगे ये 17 दिन बाद की गारंटी में आधे आंसर आप बोल दोगे आप क्लास में बोल दोगे आप और ये कल के पेपर की बात कर रहा हूं मैं आपको जो हो चुका है उसका रिव्यू शायद मैं यूट्यूब पर आज डालने वाला हूं तो बॉस हर पेपर एग्जाम का डिफिकल्ट नहीं होता हमारे प्रिपरेशन उससे ज्यादा डिफिकल्ट रहेंगे तो पेपर इजी जाता है दस मार्क सौ में से कभी अपने नहीं होते सौ में से दस मार्क कभी भी अपने नहीं होते वो आईसीआई का चढ़ावा होता है मानो मैं आपको चढ़ावा यस yes, प्रसाद भगवान के पास अपन देते है, वैसा है वो अपना भगवान आईसीआई दस मार्क तेरे नब्बे मार्क मेरे कभी कभी वो बोलता पंद्रह मेरे बीस मेरे ओके झगड़ने का नहीं जो चीज प्यार प्यार से से हो हो सकती है वो प्यार से ही करना चाहिए। पहले तो ले, कम होते क्या भाई? एक बार तेरे तो फाइनेंस तो so का पेपर सॉल्व कर दोगे ना आपको समझेगा कि हमने जो भी पढ़ा कितना रिलेवेंट पढ़ा कितना ज्यादा रेलिवेंट पढ़ा और उसके बाद मेरी गारंटी है सत्रह दिन बाद आप पिछला एग्जाम का कोई भी पेपर देख लो 2018 में इंटरमीडिएट इनकॉर्पोरेट हुआ है 2018 से लेकर 2021-22 तक का पेपर कोई भी देख लो आई एम श्योर आपको वो पेपर समझेगा जरूर पूरा पेपर बैरिंग फॉर 100 में से 10 मार्क सर ये तीन मार्क का देखो ना सर क्या क्वेश्चन आया वो बोलने का अधिकार आपको तब है जब थर्टी आपको पूरे आते करेक्ट है।, है क्या पूरे थर्टी जिसको आते है, वो तीन मार्क के लिए चाहिए आपने

यहां तक का पार्ट पर कैपिटल इनकम का क्लियर चलिए अब मैं थोड़ा अलग लेवल पर जा रहा हूं आपके साथ ठीक है दोस्तों देर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड पर्सनल इनकम पर्सनल इनकम मतलब समझ रहे है? मेरा इनकम नेशनल इनकम मतलब देश का इनकम ठीक है दोनों में डिफरेंस है क्या डिफरेंस है सर दोनों में पर्सनल इनकम में सिर्फ मेरा इनकम काउंट होगा मुझे जहां कहीं से भी पैसा मिला होगा सब काउंट होगा कुछ पैसा नहीं मिला होगा तो वो काउंट नहीं भी होगा कुछ पैसा मिलना चाहिए था मगर नहीं मिला तो वो काउंट नहीं होगा मतलब आपको मैं अगर सिंपल भाषा में बोलूं कि मुझे एक्ल बेसिस पर जो इनकम मिलना चाहिए था मगर वो नहीं मिला तो मेरे पर्सनल इनकम में वो काउंट नहीं होगा मगर कुछ इनकम मैंने कमाया ही नहीं मगर मिल गया कुछ इनकम मैंने कमाया ही नहीं मगर मिल गया तो वो इनकम काउंट होगा सर क्या कमाल कर रहे हो सर कौन सा इनकम ऐसा होता है जो हम कमाते ही नहीं है मगर मिल जाता है होता है दोस्तों होता है जैसे कि लेट्स से ये बैच है आप सौ लोग सपोज ठीक है और आपकी फीस है जो भी है दस हजार है सपोज एग्जाम्पल कैलकुलेशन ईजी जाएगा आपको मालूम है दस हजार नहीं है ज्यादा है ठीक है तो सपोज दस फीस है ठीक है इनटू टू सौ स्टूडेंट्स कितनी फीस हो गई टेन लैक्स वन लैख कैसे होता रे कर दी छोटी बात सी है रे भाई ठीक है टेन लैक्स फीस हो गई सपोज ठीक है ये तो फेस टू फेस का अपन बात कर रहे अब ये दस लाख क्या मैंने अर्न किया यस yes. क्या मुझे मिला यस ठीक है सपोज सौ में से एक स्टूडेंट बोलता है सर मैं फीस बाद में दे देता हूं एक एक स्टूडेंट है सपोज चलो सौ की फीस मुझे मिल गई दस लाख रुपए मैंने कमाए भी और मुझे मिले भी ठीक है <coughs> अब मुझे बोलो कि एक स्टूडेंट मुझे बोल रहा है कि सर ये ना ये फीस मेरे अफोर्डेबल नहीं है प्लीज सर मुझे ना एक फीस एक साल बाद पे करनी है एक साल बाद मैं आर्टिकलशिप शुरू करूंगा मेरे आर्टिकलशिप से मैं आपकी फीस इंस्टॉलमेंट में दूंगा मैंने पूरा छानबीन किया बैकग्राउंड का वगैरह और मुझे समझा कि आई जेन्यूनली वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है तो और मैंने बोल दिया ठीक है बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है एक साल बाद देना इस साल मैंने वो उसकी फीस अर्न की थी क्या ये क्योंकि मैंने उसको पढ़ाया मगर मुझे मिली थी क्या वो फीस नहीं मिली थी तो वो मेरे पर्सनल इनकम में काउंट नहीं होगी आई होप यू गॉट द पॉइंट अर्न एंड रिसीव अर्न बट नॉट रिसीव दोनों का डिफरेंस समझा ठीक है मतलब सौ लोगों की फीस मैंने अर्न भी की और मुझे रिसीव भी हुआ मेरे पर्सनल इनकम में वो काउंट हो जाएगा मगर एक स्टूडेंट की फीस मैंने अर्न किया था मगर रिसीव नहीं किया समझ गए ओके okay. अभी तुम सब बैच के एंड में तुम देख रहे हो कि यार इकोनॉमिक्स यार, का पेपर सत्रह दिन हुए इकोनॉमिक्स हम पेपर सॉल्व कर चुके थे और सब कुछ बढ़िया आ रहा है एफएम खत्म हो गया सर ने बोला एफएम का पेपर चलो लास्ट डे आज बैच का एफएम का पेपर सॉल्व करो और हमने वो भी सॉल्व कर दिया और तुमको सच में समझा कि बैच क्या जबरदस्त हुई आपको समझ गया कि क्या इंपैक्ट था फाइनेंशियल मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस मतलब सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन गया आपका और आपको लगा कि यार सर ने इतनी मेहनत की है और करवाई है तो सर को गिफ्ट दिया जाए और आप सब ने मिलकर 100 लोगों ने मिलकर लेट्स से मुझे कार गिफ्ट की ओके एग्जांपल है रे ठीक है मन किया तो कर लेना बट एग्जांपल है ठीक है और आपने कार गिफ्ट की मुझे 10 लाख की एग्जाम्पल है ध्यान दो दस लाख की आपने मुझे कार गिफ्ट की अब मुझे बताओ ये कार जो आपने गिफ्ट की है क्या ये मैंने अर्न किया है क्यों नहीं अर्न किया क्योंकि मैंने वो चार्ज नहीं किया था कोई कंसिडरेशन नहीं था कि सर्विसेज के बदले में आप कार देने ही वाले हो तो ये अर्न नहीं किया है मगर क्या वो कार मैंने रिसीव की यू अंडरस्टूड इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड समझा कि नहीं यू अंडरस्टैंडिंग बैच के एंड में आप सबने मिलकर मुझे सौ रुपए गिफ्ट किए सौ लोगों ने एक एक रुपया कॉन्ट्रीब्यूट किया सौ रुपए गिफ्ट किए तो सौ रुपए भी बड़ी बात है क्योंकि तुमने गिफ्ट किया है और यह भी उसी कैटेगरी में जाएगा इनकम रिसीव्ड बट नॉट जीपा क्या सबको अच्छे से समझा क्या तो पर्सनल इनकम ना दोस्तों पर्सनल इनकम अगर मुझे नेशनल इनकम से निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा ध्यान से देखो पर्सनल इनकम अगर मुझे नेशनल इनकम से निकालना है तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा आपको क्या लिखा है मैंने बोलो पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम प्लस इनकम रिस्यूड बट नॉट अर्न कैन आई से गिफ्ट एग्जांपल के लिए अभी गिफ्ट इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न एंड माइनस करो इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड आउटस्टैंडिंग फीस एग्जाम्पल समझा क्या एवरीबडी तो मैंने लेस क्या किया आउटस्टैंडिंग फीस एड क्या किया गिफ्ट मतलब मैंने ऐड क्या करना चाहिए ऐसा इनकम जो मुझे मिला है मगर अर्न नहीं किया और लेस क्या करना है ऐसा इनकम जो मैंने अर्न किया है मगर रिसीव नहीं किया कहना ऐसे पर्सन इनकम में जितना मिला उतना पूरा आता है जितना मिला भले कमाया हो या नहीं कमाया हो अगर मिला है ना तुझे तो ऐड कर समझ गए क्या एक साल बाद वो स्टूडेंट आता है बोलता है सर ये आपकी फीस मैंने आर्टिकलशिप किया मेहनत की और ये सर आपकी फीस थैंक यू सर एक साल पहले आपने पढ़ाया मैं मैं आज इंटर पास हुआ और आर्टिकलशिप कर रहा हूं। मैं अभी फाइनल में उसने मुझे आके फीस दे दी तो अब उस साल में मैंने उसे अर्न किया था क्या नहीं मगर उस साल में मैंने उसे रिसीव किया ना तो उस साल के इनकम ऐड होगा जेपा क्या एवरीबॉडी पर्सनल इनकम नेशनल इनकम देर इज अ डिफरेंस अब सुनो एक बात अगर नेशनल इनकम काउंटिंग चल रहा है नेशनल इनकम काउंटिंग चल रहा है ठीक है सबको पूछा जा रहा है इनकम कितना है आप सब तो कुछ कमाते नहीं हो क्योंकि आप स्टूडेंट हो मगर आपके पेरेंट्स कमाते हैं अच्छा आपने जो फीस दी है या गिफ्ट दिया था मुझे वो कहां से दिया था पेरेंट्स के इनकम में से दिया था ठीक है आपके पेरेंट्स का इनकम किसी का दो लाख किसी का पांच लाख किसी का बीस लाख किसी का दस लाख वॉट एवर सबका एड हो गया ठीक है मेरे को पूछा है नेशनल इनकम वालों ने कि तुम्हारा इनकम कितना है मैंने कौन सा इनकम बोलना चाहिए पर्सनल इनकम बोलना चाहिए क्या बोल दो सर वो आपका इनकम है नहीं पर्सनल इनकम में वो गिफ्ट भी इंक्लूडेड है समझा कि नहीं ऐसे गिफ्ट स्कॉलरशिप पेंशन जैसी चीजों को जो लॉ के भाषा में अगर मैं बात करूं तो विदाउट कंसिडरेशन मिल रहा है विदाउट कंसिडरेशन मिल रहा है ऐसी चीजें मैंने नेशनल इनकम के वक्त नहीं बोलनी चाहिए उसी इनकम को इकोनॉमिक्स में ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो ट्रांसफर इनकम मतलब इन शॉर्ट आपके पास से मेरे पास आ गया विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर हो गया क्या बोलेंगे उसको ट्रांसफर इनकम ट्रांसफर इनकम ना दोस्तों ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में नहीं आना चाहिए क्यों नहीं आना चाहिए सर क्योंकि दोस्तों नेशनल इनकम में अगर मैं वो इनकम भी बोल कि दस लाख मुझे बैच से मिले और पांच लाख की कार मुझे स्टूडेंट्स ने गिफ्ट की थी तो मेरा इनकम इस साल का हो गया लाख अगर मैं ऐसा बोल दू तो इसमें नेशनल इनकम का डबल काउंटिंग नहीं हो गया क्या कैसे डबल काउंटिंग हो गया मैंने पंद्रह लाख बोला जिसमें पांच लाख का गिफ्ट था और आप सबके पेरेंट्स ने वो इनकम बोला जो उन्होंने कमाया तो उसी में से मुझे ये गिफ्ट मिला है ना बदले में मैंने कोई गुड्स एंड सर्विसेज दी है क्या अलग से गिफ्ट के लिए नहीं दिया तो डबल काउंटिंग हो गया ना कुछ समझा ट्रांसफर इनकम कभी भी पर्सनल इनकम में आएगा मगर नेशनल इनकम में नहीं आएगा अगर वो नेशनल इनकम में गलती से आ गया तो नेशनल इनकम डबल काउंटिंग मतलब इन्फ्लेट हो जाएगा एग्जाम्पल दूसरा आप स्टूडेंट हो आपको स्कॉलरशिप मिला है आपने बहुत मेहनत की आपको स्कॉलरशिप मिला है बदले में आपने कोई गुड्स दिए किसी को अच्छा किसी को कोई सर्विसेज दिए

गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो क्या तो फिर उनका उनका जो पेंशन का मेरा इनकम है वो ट्रांसफर इनकम है वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होना चाहिए हर वो चीज जो विदाउट कंसेशन मिलती है बदले में कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस या प्रोवाइड नहीं किए जाते वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा मगर पर्सनल इनकम में जरूर होगा क्योंकि वो पर्सनली मुझे मिला है समझ गए क्या इसलिए तो नेशनल इनकम में अपन एड कर रहे इनकम रिसीव बट नॉट अर्न मतलब गिफ्ट इसका मतलब गिफ्ट वेयर ऑलरेडी नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नाउ वी आर एडिंग समझे कि नहीं अब उस गिफ्ट वर्ड को रिप्लेस करके क्या बोलोगे आप ट्रांसफर इनकम ट्रांसफर रिसीट कुछ भी बोलो एक ही बात है टी आर ट्रांसफर रिसीट बोलो ट्रांसफर इनकम बोलो समझ गए एनी डाउट अब ये पर्सनल इनकम में से अगर मैं टैक्सेस लेस कर दू तो उसे हम बोलेंगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पर्सनल इनकम में से क्या लेस किया टैक्सेस कौन से टैक्सेस सर डायरेक्ट टैक्स कौन से टैक्स डायरेक्ट टैक्स लेट्स मैंने कितना इनकम कमाया था पर्सनल इनकम पंद्रह लाख पंद्रह लाख पे सपोज डेढ़ लाख गवर्नमेंट ने बोल दिया टैक्स है तो डोंट यू थिंक कि पंद्रह लाख भले मैंने कमाया मगर पंद्रह लाख मेरे डिस्पोजल पे नहीं थे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पोजल सर मेरे मन मर्जी के मुताबिक मैं खर्च नहीं कर सकता हूं गवर्नमेंट बोलते पंद्रह में से डेढ़ लाख हमको दे वन लाख फिफ्टी थाउजेंड थर्टीन लाख फिफ्टी से जो करना है कर ले तू पूरा उड़ा या सेविंग कर तेरा प्रॉब्लम है मगर साढ़े तेरह में से कर पंद्रह में से डेढ़ हमारा है वन पॉइंट फाइव हमारा है तो कैन आई से डिस्पोजेबल इनकम इज नथिंग बट इनकम एट योर डिस्पोजल इनकम एट योर डिस्पोजल मतलब तुम्हारे मर्जी से जैसे करना है करो उसको पूरा खर्च करना है करो या सेव करना है करो बाय द वे डिस्पोजल इनकम से दो ही चीजें पॉसिबल है डिस्पोजल इनकम से या तो खर्च होगा जिसको हम इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन बोलते हैं क्या बोलते कंजम्पशन या तो सेव होगा जिसको हम सेविंग बोलते हैं मुझे बोलो पंद्रह लाख आपकी कमाई है सपोज 1.5 गवर्नमेंट को चलेगा कितना बचा 13.5 क्या करोगे 13.5 से सर so हम शॉपिंग करेंगे रेस्टोरेंट जाएंगे थिएटर में मूवीज देखेंगे हम एफ कर देंगे ये तो अल्टीमेटली किया क्या तूने या तो कंजम्शन किया या तो सेविंग किया कुछ थर्ड चीज पॉसिबल है क्या उससे नथिंग समझियो मैडम तो पर्सनल डिस्पोजल इनकम इज नथिंग बट पर्सनल इनकम माइनस टैक्सेस अब ऐसा हो सकता है कभी कभी रेयरली कि गवर्नमेंट बोलेगा कि देश में कोविड आ गया हर सिटीजन हजार रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन देगा तो अपने देश की आबादी है 135 करोड़ इंटू हर पर्सन हजार रुपए इतना गवर्नमेंट के किटी में पैसा आ जाएगा और गवर्नमेंट ये कोविड सिचुएशन को डील कर पाएगा और इसके लिए भाषण देने आ जाएंगे मोदी जी मोदी जी अपने को पूरा कन्विंस कर देंगे और बोलेंगे हजार तो मिनिमम है ये देश में ये वक्त जो चल रहा है इसी ये ही हमारी कठिन परीक्षा है और इसमें जो साथ देगा वही सच्चा देशवासी है मोटिवेशन और फिर अपने को तो कोई दस हजार देगा कोई एक लाख देगा ये जो हजार था ना ये कंपलसरी पेमेंट टू गवर्नमेंट था सपोज ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी कंपलसरी पेमेंट टू गवर्नमेंट ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी था और इसका मतलब क्या हुआ मेरा पंद्रह लाख ,00 में से डेढ़ लाख ,00 गया और एक हजार भी गया इसका मतलब मेरे डिस्पोजल पे अब ,00 रुपीज बचे तो इसका मतलब क्या हुआ अगर मैं डिस्पोजल इनकम निकालू फॉर्मूला इट इज नथिंग बट पर्सनल इनकम में से पर्सनल इनकम टैक्सेस माइनस करो एंड मिसलेनियइन पेड बाय हाउस होल्ड टू गवर्नमेंट जो कि कंपलसरी होते हैं ना कैसे होते हैं ये कंपलसरी होते हैं तो वो भी आपको लेस करना चाहिए तो बचाओ पैसों से आपको जो करना है करो वॉट इज दैट थिंग मिसलेनियस वो और कुछ नहीं है कोई भी कंपलसरी पेमेंट जो आपको गवर्नमेंट को करना है टैक्सेस के अलावा वो सब वहां पर इंक्लूड होगा करेक्ट और ये है आपका मिसलेनियस फीस एंड फाइंस पेड बाय हाउस होल्ड टू गवर्नमेंट क्या होता है सर इकोनॉमिक्स में ना चार सेक्टर होते हैं इकोनॉमिक्स में चार सेक्टर होते हैं चैप्टर वन में पहला सेक्टर होता है हाउस होल्ड मतलब अपन लोग इन शॉर्ट अपन लोग कौन है हाउस होल्ड सेक्टर है दूसरा होता है बिजनेस मतलब फर्म जो आज प्रोडक्शन कर रहे गुड्स एंड सर्विसेस का तीसरा होता है गवर्नमेंट आपको पता है गवर्नमेंट एंड लास्ट होता है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड जिसको हम फॉरेन सेक्टर बोलते हैं कौन से सेक्टर से चार बोलो हाउस होल्ड फर्म बिजनेस गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर तो इसी को हम चैप्टर में इस चैप्टर में टू सेक्टर थ्री सेक्टर एंड फोर सेक्टर के नाम से जानेंगे टू सेक्टर में कौन कौन आना चाहिए हाउस होल्ड एंड बिजनेस थ्री सेक्टर में कौन पिक्चर में आ जाएगा गवर्नमेंट फोर सेक्टर में फॉरेन सेक्टर भी पिक्चर में आ जाएगा आर यू अंडरस्टैंडिंग तो ये चार सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी है जो एग्जैक्टली exactly यहां पर लिखे है देखो मिला क्या आपको चार्ट के पेज नंबर सेवन पर डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम केन्शियन थ्योरी बोलते इसको कौन सी थ्योरी केन्शियन थ्योरी आपने आपनेशियन का नाम इकोनॉमिक्स में जरूर सुना रहेगा इसका नाम है एक्चुअली इनका नाम है पूरा जॉन मेनार्ड केन्स जे एम केन्स ओके जॉन मेनार्ड केन्स ये बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट थे इनका सोच दुनिया से सबसे अलग था ये 1900 से बोल रहे थे कि इकोनॉमी में ना फुल एम्प्लॉयमेंट हर वक्त पॉसिबल नहीं है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट जितने रिसोर्सेस है सबके सबको काम मिल रहा है और कभी अनएलॉयमेंट है ही नहीं इसको बोलते फुल एम्प्लॉयमेंट जॉन मिनार्स फर्स्ट इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने बोला कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल देर कैन बी सीनियोज ऑफ लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट बाकी लोगों ने बोला इम्पॉसिबल क्योंकि 1900 के आसपास ऐसा कभी हुआ ही नहीं था जितने रिसोर्सेस थे वो सबके सब काम कर रहे थे क्योंकि पॉपुलेशन भी बहुत कम था बट 1930 थर्टी आप सबको बताइए ग्रेट डिप्रेशन वाला था। 1930 से 36, इस इयर्स के बीच वर्ल्ड ने ग्रेट डिप्रेशन फेस किया और पहली बार वर्ल्ड ने विटनेस किया कि लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और तब जॉन मेनार्ड किन्स के, के थ्योरीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिला और उनको बोलते हैं थ्योरीज़। उन्होंने अपने इकोनॉमी के अंदर नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट में चार सेक्टर डिवाइड किए गए जो अपन ने अभी बोले। मगर क्योंकि एक ही सेक्टर से इकोनॉमी कैसे चल सकती है समझे क्या सपोज सब बिजनेस है तो इनको सर्विसेस प्रोवाइड कौन करेगा सर बिजनेस को कौन से सर्विसेस भाई इनको कोई रेंट लैंड देगा रेंट पर कोई लेबर सप्लाई करेगा तो वेजेस मिलेंगे उनको इसका मतलब इकोनॉमी में मिनिमम दो सेक्टर होने जरूरी है सभी बिजनेस रहेंगे नहीं चलेगा सभी हाउस होल्ड रहेगा तो इनके सर्विसेज कौन लेगा आर यू अंडरस्टैंडिंग इसलिए टू सेक्टर सेक्टर में दो डालेंगे कंपलसरली कौन से दो सेक्टर हाउस होल्ड एंड बिजनेस जिसको फर्म बोलते हैं। फिर तीसरा सेक्टर में क्या ऐड किया गया गवर्नमेंट एंड फोर्थ सेक्टर में क्या ऐड किया गया फॉरेन सेक्टर तो बोलो थ्री सेक्टर में क्या आया हाउस होल्ड बिजनेस एंड गवर्नमेंट फोर सेक्टर में क्या आया हाउस होल्ड बिजनेस गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर्स तो ये यहां पर एंड ये सेक्टरवाइज बताया गया है कौन से सेक्टर में क्या आता है कैंशियन थ्योरीज हम आज नहीं पढ़ेंगे हम सिर्फ बता रहे थे कि सेक्टर्स कितने इकोनॉमी में समझे अच्छे से एनी डाउट <coughs> दोस्तों आपके इकोनॉमी में जो सेक्टर्स होते हैं ना उन सेक्टर्स के हिसाब से आप लोग डेफिनेटली ये केंशन थ्योरी पूरा पढ़ने वाले हो टू सेक्टर थ्री सेक्टर एंड फोर सेक्टर इकोनॉमी पढ़ने वाले हो ठीक है आपको मानो में नेशनल इनकम मेजर कैसे होता है आज के डिस्कशन का लास्ट पार्ट है ये बोलो नेशनल इनकम कैसे मेजर होता है पॉपुलेशन मेजर करता है इनकम भी पूछते वो घर आके कितनी आमदनी कमाते हो क्या करते हो कौन से सेक्टर में कौन काम करता है अच्छा आपके तीन बच्चे क्या तो कौन क्या क्या करता है अच्छा वो सर्विस में है ये बिजनेस है आपको लगता है भारत देश जैसे देश का कोई एक मेथड से नेशनल इनकम मेजर हो सकता है पॉसिबल ही नहीं है पहली बात तो मैं आपको सबको बताना चाहता हूं कि नेशनल इनकम मेजर करने के तीन मेथड कितने तीन पहला मेथड आता है प्रोडक्शन मेथड पहला मेथड का नाम बोलो प्रोडक्शन इसी को बोलते वैल्यू एडेड मेथड इसी को बोलते इंडस्ट्री ओरिजिन बुक ऑल्सो पहला बोलो, क्या था प्रोडक्शन मेथड वैल्यू एडेड मेथड इंडस्ट्री ओरिजिन मेथड दूसरा मेथड आता है इनकम मेथड दूसरा मेथड का नाम है इनकम मेथड और तीसरे मेथड का नाम है एक्सपेंडिचर मेथड ये तीनों मेथड अलग अलग क्यों है और ये तीन ही मेथड क्यों है सब कुछ हम डिस्कस करने वाले सबसे पहले मुझे बोलो कि मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एंड क्लियर इसको बोलते हैं थ्री मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम यू नो व्हाट इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस के पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन एक बार आया था राइट द मतलब व्हाट आर द थ्री व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम फॉर टू मार्क्स सिर्फ तो इतना लिखना था और लास्ट में एक इंप्रेस करने के लिए लिख सकते हो कि नेशनल इनकम फॉर इंडिया कैन नॉट बी मेजर्ड यूजिंग वन मेथड कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स। उससे और बेटर क्लियर होता है कि आपको सिलेबस और पता है फॉर टू मार्क्स एंड टू मार्क्स दो मार्क की तो बात है सर कौन सी बड़ी बात है टू मार्क्स इज डिफरेंस बिटवीन थर्टी एट एंड फोर्टी और इट्स डिफरेंस बिटवीन वन नाइन नाइन एंड जीरो एग्रीकेट ऑल्सो तो भाई टू मार्क्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इसलिए कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए जो चीज हम पढ़ रहे एकदम एटेंटिव रहकर पढ़ो आपको अगर थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ा ध्यान कम है सुबह सुबह का टाइम है थोड़ा नींद आ रहा होगा तो मैं आपको बताता हूँ ये सबके साथ होता है इट इज कॉमन बट इसको अवॉइड करने का मैंने मेथड आपको कल ही बता दिया था जल्दी सोने का ट्राई करो आठ दिन नींद नहीं आएगी मुझे मालूम है फिर भी ट्राई करो और उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है डेटा ऑफ कर दो डेटा ऑफ हो गया ना अगर मोबाइल का तो आधी प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व हो जाती है अनफॉर्चुनेटली आपके लाइफ में ये पिक्चर आ चुका है कि डेटा मोबाइल स्मार्टफोन हमारे पास फॉर्चुनेटली ही नहीं था देर वॉज नथिंग कॉल एज स्मार्टफोन वी वेर स्मार्ट नाउ इट इज इनवर्स यू आर नाउ बिकमिंग डम द फोन इज बिकमिंग स्मार्टर एंड यू आर मोर डिपेंडेंट ऑन दैट स्मार्टफोन सो यू बी स्मार्ट वो स्विच ऑफ कर दो यार क्या फर्क देता है यार कौन से भारत के प्रधानमंत्री हम जो दिन में सत्रह मीटिंग अटेंड करेंगे डिफरेंट कंट्रीज जाएंगे ब्रेकफास्ट डिनर लंच सो कई और जगह रहे है ना काम 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 कर रहे तो यहां पर सिंपल है आपको रात में जल्दी सोना है सुबह जल्दी उठना है थोड़ा आ, क्लास के पहले उठो और आज आपने ट्राई किया क्या मैंने जो बोला था आपको आज आपने ट्राई किया है ठीक है ये कंटिन्यूअसली आठ दिन तक करो भले आपको लगे कुछ भी नहीं हो रहा है करने में नुकसान है क्या करो आठ दिन तक करो बस ठीक है जिन्होंने आज नहीं किया कल से प्रैक्टिस करो मगर करना है जरूर ठीक है देखो अपन मोदी जी का क्या क्या नहीं सुनते हाँ भले वो भले के लिए हो ना हो मगर क्या नहीं सुनते उसमें तो अपना नुकसान भी होता है पैसा भी जाता है यहां पे मैं आपको ऐसी चीज बोल रहा हूं जो आपका पैसा नहीं जा रहा है नुकसान नहीं है कुछ भी होगा तो भला ही होगा तो करो ठीक है नाउ फ्रेंड्स ये तीन मेथड में आपको बोल रहा था कि तीन ही मेथड क्यों है ठीक है आप ध्यान दो सबसे बेस्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं हम इस डायग्राम को जो पेज नंबर फाइव पे दिया है इस डायग्राम को आप लिखोगे ट्रिपल आइडेंटिटी कंसेप्ट आपके चार्ट बुक में आप इसको लिखोगे ट्रिपल आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट ट्रिपल आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट ये नाम लिखो उधर <coughs> मिला क्या आपको पेज नंबर फाइव पे डायग्राम ओके okay. अब ध्यान से कॉमन लॉजिक है कि कौन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है बिजनेस सेक्टर वाइज सोचो कौन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है बिजनेस क्यों प्रोड्यूस करता है डिमांड आती है ना सामने से डिमांड आती है सामने से इसलिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं अच्छा गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस अकेला प्रोड्यूस कर सकता है क्या उनको क्या लेना पड़ेगा हाउस होल्ड से उधर मत पड़ो रिसोर्सेस लेनेर्विसेस क्या लेने पड़ेंगे बोलो फैक्टर लेनेर्विसेस मतलब किसी से लैंड लेना पड़ेगा किसी से लेबर लेना पड़ेगा किसी से एंटरप्रेन्योर लेना पड़ेगा तब जाके बिजनेस को मिलेंगे फैक्टर्स मतलब बदले में किसी को रेंट देना पड़ेगा किसी को वेजेस सैलरीज देने पड़ेंगे किसी को प्रॉफिट देना पड़ेगा डू यू अग्री किसी के पास से कैपिटल लेना पड़ेगा बदले में इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो ये सब फैक्टर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है हाउस होल्ड कौन प्रोवाइड कर रहा है बोलो हाउस होल्ड हाउस होल्ड बिजनेस को मैं बिजनेस आप हाउस होल्ड बोलो कौन किसको क्या प्रोवाइड कर रहा है आप मुझे प्रोवाइड कर रहे हो तो मेरे गुड्स एंड सर्विसेस प्रोड्यूस हो रही है ठीक है बदले में मैं आपको क्या दूंगा हा? फैक्टर पेमेंट दूंगा क्या दूंगा मैं फैक्टर पेमेंट किसी को इंटरेस्ट किसी को रेंट किसी को wages, salaries, किसी को प्रॉफिट अग्रीड तो बोलो हाउस होल्ड ने बिजनेस फर्म को क्या दिया फैक्टर सर्विसेस बिजनेस फर्म ने हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट्स दिए कहना से ये आपके लिए इनकम था ये आपके लिए इनकम था आपको ये इनकम मिलने के बाद आप क्या करोगे इसे खर्च करोगे इसे खर्च करोगे किसके लिए आपके वांट्स के लिए आपके वांट्स गुड्स एंड सर्विसेस ही रहेंगे आप सबके वांट्स क्या रहेंगे या तो गुड्स या तो सर्विसेस तो जो आपको मिला है आप खर्च करोगे आप जब खर्च करोगे तो आप गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड क्रिएट करोगे जब गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड क्रिएट होगा तो मैं फर्म मैं बिजनेस क्या करूंगा और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड प्रोड्यूस करूंगा आपको सर्कुलर फ्लो समझ रहा है क्या अपने इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो समझ रहा है क्या अब अपने और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए सोचते कि मैं बिजनेस फर्म हूं आप फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हो रेंट वेजेस सैलरी इंटरेस्ट प्रॉफिट ये सब आपको मिल रहा है आपने बदले में मुझे क्या दिया लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रन दिया ठीक है मैंने आपको फैक्टर पेमेंट्स दिए वो आपके लिए इनकम था आपने उसे खर्च किया आपने उस जैसी पैसा मिला गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च किया जो गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च हो रहा है उसकी वजह से बिजनेस फर्म्स और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है दिस इज कॉल्ड एज सर्कुलर फ्लो क्योंकि इकोनॉमी फ्लो कंटिन्यूअसली चलते रहता है ये विशेष सर्कल है obviously. ये सर्कल सर्कल कभी स्टॉप होगा क्या मुझे बताओ नहीं तो वही यहां पे लिखा हुआ है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर इनकम होगा जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर इनकम होगा तो ऑब्वियसली उसका खर्चा करेंगे आप जिसको हम बोलते हैं डिस्पोजिशन कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट और उसी की वजह से और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगी और गुड्स एंड सर्विसेस प्रोड्यूस होंगी तो इसको ट्रिपल आइडेंटिटी कौन से बोल रहे हैं इसको एक और नाम है सर्कुलर फ्लो इसको एक और नाम क्या रहेगा सर्कुलर फ्लो हैव यू है यहां तक का पार्ट समझा अब ध्यान से सुनो जैसे ही गुड्स एंड सर्विसेस प्रोड्यूस हुई प्रोडक्शन हुआ इसीलिए यहां पर पहला मेथड आया प्रोडक्शन मेथड जैसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई प्रोडक्शन हुआ इसलिए पहला मेथड आया प्रोडक्शन मेथड जैसे ही फैक्टर्स को फैक्टर इनकम मिला इसलिए नेक्स्ट मेथड आया इनकम मेथड नेक्स्ट मेथड आया इनकम मेथड जैसे ही फैक्टर्स को इनकम मिली इनकम मेथड आया उन्होंने इनकम को खर्च किया तो तीसरा मेथड आया एक्सपेंडिचर मेथड आई होप आपको समझाए कि इकोनॉमी में तीन ही मेथड क्यों है क्योंकि अपने सर्कुलर फ्लो में ट्रिपल आइडेंटिटी है अपने सर्कुलर फ्लो में तीन चीजें है गुड्स एंड सर्विसेस का प्रोडक्शन फैक्टर को इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और फैक्टर उस इनकम को खर्च कर रहा है क्लियर है कॉन्सेप्ट एनी डाउट तो इकोनॉमी में नेशनल इनकम मेजरमेंट के कितने मेथड है तीन उसके बेसिस पर कौन सा कंसेप्ट है ट्रिपल आइडेंटिटी कंसेप्ट है, जिसका दूसरा नाम है सर्कुलर फ्लो उसमें क्या होगा गुड्स एंड प्रोड्यूस होंगी तो फैक्टर्स को फैक्टर इनकम इनकम मिलेगा मिलेगा और फैक्टर्स को जब मिलेगा, तो वो उसे डिस्पोजिशन करेंगे खर्च करेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे बदले में और गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड क्रिएट होगा इसलिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगी कैन यू राइट दिस थिंग इन एग्जामिनेशन राइट शॉर्ट नोट ऑन ट्रिपल आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट कुछ नहीं करना एग्जाम में बस ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ड्रॉ करना है और तीन पैराग्राफ या तीन लाइन लिखना है बस एक एक दो दो लाइन में तीन चीजें लिखनी है जो अपन अभी बात कर रहे हैं हो सकता है पॉसिबल यस yes. मैं इसके साथ साथ आपको आइडिया भी दे रहा हूं कि आंसर्स कैसे लिखे जा रहे हैं सबको समझा यहां तक हमने एक चीज कवर नहीं की है वो है प्राइवेट इनकम जो जो चीज मैं छोड़ रहा हूं डोंट वरी मुझे पता है मैं छोड़ रहा हूं मैं उसे कहां कवर करूंगा वो भी पता है तो so, वरी किया, नहीं, ये नहीं किया। मैं अभी नहीं कर यहां तक का पार्ट क्लियर है सबको अब दोस्तों इंडियन इकोनॉमी को अपन कितने सेक्टर्स में डिवाइड कर रहे थे तीन सेक्टर्स कौन से तीन सेक्टर्स थे प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर टर्शरी सेक्टर सब आंसर देंगे क्लास में सब कौन है पागल मेरे अलावा तो आंसर देने में कोई प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि बाजू वाला भी पागल है तुम भी हो क्यों सोच रहे हो आंसर दो ना हाउ मेनी सेक्टर इन द इकोनॉमी थ्री पहला प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी तीसरा टर्शरी प्राइमरी सेक्टर कैन इट बी डिवाइडेड इन सब सेक्टर्स यस एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर वगैरह वगैरह देन सेकेंडरी सेक्टर कैन इट बी डिवाइडेड इन सब सेक्टर्स ये मैन्युफैक्चरिंग में अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग आ, आ सकते हैं तीसरा सर्विसेज सेक्टर कैन इट बी सब डिवाइडेड इन सब टेकन एग्जांपल बैंकिंग इंश्योरेंस सी एडवोकेट वगैरह वॉट ठीक है डॉक्टर्स इंजीनियर्स इंटीरियर डिजाइनर्स एवरीबडी सो फ्रेंड्स अब मैं आपको फर्स्ट मेथड का एक आइडिया दे रहा हूं सिर्फ पूरा डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे सिर्फ आइडिया ले लो अभी फर्स्ट मेथड का नाम बोलो प्रोडक्शन मेथड ऑल्सो कॉल्ड एज वैल्यू एडेड मेथड ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्री ओरिजिन मेथड ऑल्सो कॉल्ड एज लास्ट में नेट आउटपुट मेथड कितने नाम हो गए चार क्या क्या नाम है फिर से बोलो विदाउट लुकिंग एट द स्क्रीन प्रोडक्शन मेथड वैल्यू एडेड मेथड इंडस्ट्री ओरिजिन मेथड नेट आउटपुट मेथड याद रहेगा ठीक है थीके. अब ये मेथड कब आता है ट्रिपल आइडेंटिटी में ये मेथड कब आता है जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है करेक्ट वैल्यू एडेड मेथड आ जाता है पिक्चर में वैल्यू एडेड मेथड बोलता है कि तुम इंडियन इकोनॉमी को तीन सेक्टर्स में डिवाइड करो कौन से तीन सेक्टर है पता है आपको हर सेक्टर को सब सेक्टर में डिवाइड करो कौन से सब सेक्टर से यह भी अपन ने बोला हर सब सेक्टर को यूनिट में डिवाइड करो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं इंडियन इकोनॉमी पूरी है तीन सेक्टर में तीसरा सेक्टर कौन सा है टर्शरी मतलब सर्विसेस सर्विसेस का सब सेक्टर बोलो कोई भी एक ट्रांसपोर्टेशन एवरीबॉडी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेस ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेस ये कौन सा क्राइटेरिया है सेक्टर या सब सेक्टर सब सेक्टर सब सेक्टर का एक यूनिट बताओ अभी मुझे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेस में एक कंपनी बताओ VRL, सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी है ना VRL तो VRL लॉजिस्टिक नाम सुना रहेगा ना आपने कभी तो VRL एक बहुत बड़ी कंपनी है अब यह मेथड बोलता है कि एक यूनिट का वैल्यू एडिशन निकालो एक यूनिट का वैल्यू एडिशन निकालो यूजिंग दिस फॉर्मूला वैल्यू एडेड बाय अ यूनिट इज नथिंग बट पढ़ो फॉर्मूला क्या लिखा है एक बार जूम इन कर रहा हूं मैं ग्रॉस वैल्यू ऑफ इट्स आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडियर गुड्स एंड सर्विस क्या करता है गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है लॉजिस्टिक्स ठीक है इनका काम है ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज देना ठीक है वी आर एल लॉजिस्टिक ने साल भर में जितना भी लॉजिस्टिक का सर्विस प्रोवाइड किया होगा उसका मनी वैल्यू निकाल सकते हो आप इन शॉर्ट उनका टर्न ओवर निकाल सकते हो आप उसको बुलाओ ग्रॉस वैल्यू ऑफ इट्स आउटपुट मगर क्या लगता आपको? है आपको तो सपोज उनका टर्न ओवर है वन थर्टी करोड़ तो वन थर्टी करोड़ उनका वैल्यू एडिशन है क्या उनका वो इनकम है क्या उन्होंने क्या किया रहेगा उस वन थर्टी करोड़ के सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कुछ गुड्स एंड कुछ सर्विसेज दूसरों से भी लिए रहेंगे ना उसको बोलने का वैल्यू ऑफ इंटरमीडियट गुड्स एंड सर्विसेस यूज जैसे कि वी आर एल सर्विसेस लॉजिस्टिक सर्विसेस ने क्या गुड्स एंड सर्विसेस यूज किए रहेंगे बोलो बस खरीदे वो छोड़ दो वो तो ऑब्वियसली इक्विपमेंट है वो एसेट है ड्राइवर सैलरी क्लीनर का सैलरी फ्यूल गुड्स एंड सर्विसेज में मेन गुड्स कौन सा खरीदते वो लोग फ्यूल डीजल डीजल परचेस किया रहेगा मेन कॉस्ट है उनका वो फिर उसके बाद में ऑयल लुब्रिकेंट रिपेयर मेंटेनेंस गैरेज के सर्विसेज यूज किए कि नहीं किए तो भाई साहब 130 करोड़ में से शायद शायद हंड्रेड करोड़ का क्या यूज किया उन्होंने इंटरमीडियरी गुड्स एंड सर्विसेस तो ये जो ऊपर का थर्टी करोड़ है ये बन गया वैल्यू एडेड बाय वीआरएल समझे क्या सबको वैल्यू एडेड बाय वीआरएल वीआरएल सर्विसेस लॉजिस्टिक सर्विसेस एक कंपनी ने कितना वैल्यू एडिशन किया कैसे निकाला आपने कौन सा फॉर्मुला यूज किया ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडियरी गुड्स एंड सर्विसेस यूज्ड Is that clear? Okay. अब ये तो हो गया अब इसके बाद सोचो कि ऐसा वी आर एल जैसी बाकी लॉजिस्टिक कंपनी है क्या यस yes. बहुत से कंपनी रहेंगे एस आर वगैरह और कौन से ओला वगैरह भी तो वही कर रहा है उबर ओला भी तो ट्रांसपोर्टेशन ही कर रहा है सिर्फ गुड्स की जगह पैसेंजर कर रहा है राइट right? तो यह क्या बन गया वैल्यू एडिशन बाय दो तो से अगर मैं ऐसे सभी यूनिट्स का वैल्यू एडिशन निकालू और उसको एड 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 कर दू तो मुझे सब सेक्टर लेवल का वैल्यू एडिशन मिलेगा डू यू एग्री ऐसे सभी यूनिट्स का वैल्यू एडिशन निकालकर मैं ऐड करूं ट्रांसपोर्टेशन में जितनी कंपनीज है सबका वैल्यू एडिशन निकालूंगा और ऐड कर दूंगा तो क्या मिलेगा वैल्यू एडेड बाय सब सेक्टर ऐसे सभी सब सेक्टर्स के लिए करूंगा जैसे ट्रांसपोर्टेशन वैसे बैंकिंग का भी करूंगा इंश्योरेंस का भी करूंगा सीए का भी करूंगा एडवोकेट का भी करूंगा डॉक्टर्स का भी करूंगा तो मैं सभी सब सेक्टर्स का वैल्यू एडिशन अगर ऐड करते जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा टर्शरी सेक्टर का वैल्यू एडिशन होगा और ऐसे जैसे टर्शरी सेक्टर का किया था वैसे ही सेकेंडरी का भी करेंगे और वैसे ही प्राइमरी का भी करेंगे और तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा इंडियन इकोनॉमी का वैल्यू एडिशन मिलेगा कुछ समझा क्या इस मेथड ने पहले क्या किया इंडियन इकोनॉमी को तीन सेक्टर में डिवाइड किया हर सेक्टर को सब सब सेक्टर सेक्टर में डिवाइड किया हर को यूनिट में डिवाइड किया वैल्यू एडिशन बाय अ यूनिट का फॉर्मूला दिया आपको बोलो फॉर्मूला क्या था ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडियट गुड्स एंड सर्विस यूज ठीक है अब ये क्या बोल रहा है जैसे तुमने एक यूनिट का वैल्यू एडिशन किया वैसे सभी यूनिट्स का वैल्यू एडिशन करो ऐड कर दो क्या मिलेगा रिवर्स जा रहे अपन अभी सब सेक्टर लेवल का वैल्यू एडिशन ऐसे सभी सब सेक्टर्स का वैल्यू एडिशन ऐड करो और क्या मिलेगा अभी सेक्टर लेवल टर्शरी सेक्टर ऐसे तीनों सेक्टर्स का एड करो और अब क्या मिलेगा इंडियन इकोनॉमी का वैल्यू एडिशन यहां तक का पार्ट समझा इसको बोलने का जी क्रॉस वैल्यू एडिशन ग्रॉस वर्ड क्यों आया क्योंकि अब तक डेप्रिसिएशन लेस नहीं किया सर ये जीवीए क्या होता है इज नथिंग बट जीडीपी। सर जीवीए क्या होता है इज नथिंग बट जीडीपी। ठीक है बस इस मेथड में उस जीडीपी को क्या बोलते हैं जीवीए व्हाट इज लॉन्ग फॉर्म? ग्रॉस वैल्यू एडिशन अब मुझे बोलो कि कैन यू गो फ्रॉम जीवीए टू एन एट फैक्टर कॉस्ट कैन वी गो फ्रॉम जीवीए टू एन एन पी एट फैक्ट्री कॉस्ट यस आई एम आई एम टेलिंग यू नथिंग न्यू यू है कहां जाने की बात कर रहा हूं मैं जी डी पी से एन एन पी जा सकते हो ना बॉस बोलो क्या लेस करोगे पहले डेप्रिसिएशन क्या मिलेगा एन वी ए या फिर एन डी पी एट मार्केट प्राइस ठीक है अब क्या करोगे एड एन एफ आई कर दोगे क्या मिलेगा एन एन पी एट मार्केट प्राइस अब क्या करोगे लेस इनडायरेक्ट टैक्सेस एड सब्सिडीज अब क्या मिला एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट क्या नाम है उसका नेशनल इनकम मेथड वन हो गया क्या मेथड वन हो गया क्या वैल्यू एडिशन बाय अ यूनिट ऐसे सभी यूनिट्स का एड करके वैल्यू एडिशन बाय अ सब सेक्टर ऐसा सभी सबसेक्टर का एड करके वैल्यू एडिशन बाय अ सेक्टर टर्सरी सेक्टर सपोज ऐसा तीनों सेक्टर का एड करके वैल्यू एडिशन बाय इंडियन इकोनॉमी विच इज कॉल्ड एज जी वी एट मार्केट प्राइस सर बार बार आप मार्केट प्राइस क्यों बोल रहे हो सर इट कैन बी एट फैक्टर कॉस्ट ऑल्सो ध्यान से सुनो जब मैं बोलता हूं क्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट मैंने वी का ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट किस पे लिया दोस्तों 130 क्या था टर्नओवर टर्नओवर फैक्टर कॉस्ट पे होता है कि मार्केट प्राइस पे होता है मार्केट yes. प्राइस पे होता है इसका मतलब एक और बात सामने आ रही है कि वैल्यू एडेड मेथड मतलब प्रोडक्शन मेथड में आप कहां पर अराइव करते हो जी वी एट मार्केट प्राइस पे अराइव करते हो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करेगी बाद में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो कंसेप्ट क्लियर हो रहा है क्या वैल्यू एडेड मेथड में हम क्या कर रहे हैं ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट ले रहे हैं ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब टर्न ओवर ले रहे हैं टर्न ओवर तो आप ये मेथड में कहा पहुंच रहे हो देखो यहां पे लिखा है जैसे मैं आपको समझा रहा हूं ना उसी भाषा में मैंने अपना चार्ट बुक लिखा है मैंने चार्ट बुक में कोई भी टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज हार्ड वाला डाला ही नहीं है ध्यान से देखो क्या लिखा है इफ वी एड GVA for all units, we get GVA at subsector level. Then, if we add GVA for all subsectors, we get GVA at sector level. If we add GVA for all three sectors, we get GVA at Indian economy level. जब आप रिवाइज भी करोगे ना ऐसा लगेगा अपन क्लास में बात कर रहे हैं बिल्कुल उसी लैंग्वेज में मैंने ये लिखा है ठीक है तो ये पार्ट समझा सबको तो आप कहां पहुंचे हो जी वी ए मतलब ग्रॉस वैल्यू एडिशन मतलब जी ठीक है और जी से मार्केट प्राइस कैसे जाना है नेशनल इनकम कैसे जाना है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया एट मार्केट प्राइस और जीडीपी जो कि हम लिखते नहीं है सिर्फ समझने के लिए अभी लिख रहे इज नथिंग बट माइनस डेप्रिसिएशन क्या मिला एनवीए एट मार्केट प्राइस इसको आप बिंदास बोलो एन एट मार्केट प्राइस मतलब सिर्फ स्टार्टिंग के लेवल पे इसको क्या बुलाने का है. बाद में आप नॉर्मल टर्मिनोलॉजी यूज किया तो भी चलेगा कोई इश्यू नहीं है और फिर आप इसमें ऐड करोगे एन एफ आई आपको क्या मिलेगा एन एन पी एट मार्केट प्राइस इज दिस नेशनल इनकम नो दिस इज नॉट नेशनल इनकम इसमें लेस इनडायरेक्ट टैक्सेस एड सब्सिडीज तो क्या मिलेगा एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट ऑल्सो कॉल्ड एज नेशनल इनकम इज दिस क्लियर इज दिस इजी हैव यू अंडरस्टूड दिस तो आज हमने शुरुआत कहां से की हमने शुरुआत की नेशनल इनकम के डेफिनेशन से नेशनल इनकम का डेफिनेशन हमने देखा फिर नेशनल इनकम के अंदर हमने जीडीपी का कंसेप्ट देखा जीडीपी के हमने कितने टाइप्स देखे चार पहला था रियल दूसरा था नॉमिनल तीसरा था मार्केट प्राइस चौथा था फैक्टर कॉस्ट रियल इज जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस नॉमिनल इज जीडीपी एट करंट प्राइस रियल नॉमिनल एक दूसरे की तरफ जाने के लिए क्या यूज करूं वेरी गुड डिफ्लेटर यूज करो सर रियल से nominal, nominal से रियल जाने के लिए डिफ्लेटर यूज करो अच्छा डिफ्लेटर कहां से कहा ओरिजिनल फ्लो रखता है नॉमिनल से रियल मतलब क्या करते हैं रियल पे आते हैं करेक्ट है क्या क्योंकि नॉमिनल को आपको घटाना है तो डिवाइड करो किससे डिवाइड करो डिफ्लेटर से डिवाइड करो क्या मिलेगा विदाउट इन्फ्लेशन वाला जीडीपी मतलब रियल वाला जीडीपी फिर डिफ्लेटर का कंसेप्ट खत्म हुआ फिर अपने पूरा फ्लो देखा ये वाला ये वाला पूरा फ्लो देखा उसके वजह से टिक किया जो जो चीजें अपने को पता थी सब कुछ उनके बाद अपने मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट का भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखा राइट फिर उसके बाद हम गए तीन सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी कौन से तीन सेक्टर्स थे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी फिर अपन ने प्रोडक्शन का ट्रिपल आइडेंटिटी कंसेप्ट देखा पूरा तीनों मेथड्स का

फिर हमने पर्सनल इनकम भी देखा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम भी देखा और पर कैपिटल इनकम भी देखा और एक चीज देखी उसी में अपन ने एक और चीज देखी नेशनल इनकम और पर्सनल इनकम का डिफरेंस विथ रिगार्ड टू ट्रांसफर इनकम विथ रिगार्ड टू ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम और पर्सनल इनकम में क्या डिफरेंस होता है अपन ने कार वाला एग्जाम्पल लिया इस क्लास की फीस का एग्जाम्पल लिया सब कुछ देखा इनकम सेन बट नॉट रिसीव्ड, रिसीव्ड इनकम बट नॉट करेक्ट? मैं आपको क्या मिलेगा पर्सनल इनकम इसमें से माइनस करो दो टैक्सेस एंड कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट लाइक फाइन पेनल्टी वगैरह जो डिस्पोजेबल इनकम आ गया डिस्पोजेबल इनकम से दो ही चीजें पॉसिबल है इंडियन तो तो इकोनॉमी को तीन सेक्टर में डिवाइड करते हैं. हर सेक्टर को सेक्टर हर सबसेक्टर को यूनिट फिर फॉर्मूला क्या था वैल्यू एडेड बाय अ यूनिट इज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू ऑफ इट्स आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडियरी गुड्स एंड इससे क्या मिला आपको एक यूनिट का वैल्यू एडिशन ऐसे सभी यूनिट्स का एड किया तो लेवल का वैल्यू एडिशन सभी को किया तो सेक्टर लेवल का तीनों सेक्टर्स को एड किया तो इंडियन इकोनॉमी का वैल्यू एडिशन वो जो मिला है वो ये वाला पॉइंट है जीवी एट मार्केट प्राइस और फाइनली आप वहां से यहां तक पहुंच जाओगे तो मेथड वन खत्म ठीक है कल हम लोग शुरुआत करेंगे आज का टाइम खत्म हो गया ओके कल हम लोग शुरुआत करेंगे जब हम शुरुआत करेंगे तो ये पूरा रिविजन और डिटेल में कल देखेंगे दस मिनट के टाइम में हमको रिविजन करना है और आगे बढ़ना है नेक्स्ट पार्ट के लिए कल का सेशन और भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि हम तीनों मेथड सीखेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे ठीक है आई होप यू एंजॉय टूडेज सेशन दोस्तों ओके जित बस एक काम करना बस घर जाकर चार्ट बुक के पांच पन्ने पढ़ना सिक्स पर तो मेथड है सिक्स पूरा पढ़ना भी नहीं है पांच पन्ने पढ़ सकते आप वही पन्ने जो अपन ने क्लास में आज डिस्कस किए ओके सी यू टुमारो एवरीबडी ओके गुड बाय